माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, नमस्कार 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 नमस्कार। श्रीमती वसुंधरा राजे अध्यक्ष महोदय, जन्मदिन की बधाई तो सदन की तरफ से आप ही दे दो। माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस भी है, पूरा सदन बधाई देना चाहता तो आसन से हो जाएगी। सदन की बहुत बहुत बधाई है मुख्यमंत्री जी को। और मेरी तरफ से भी आपको विशेष बधाई मुख्यमंत्री, मेरी तरफ से भी विशेष बधाई। अध्यक्ष महोदय, मुख्य अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को तो जन्मदिन की बधाई और आपको महिला दिवस की बधाई। श्रीमती वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री, बैठिए बैठिए बैठिए। आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारी सरकार के प्रथम दो वर्षों में हमने सबजन विकास सबजन उत्थान के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की आर्थिक प्रगति तथा सस्टेनेबल इंक्लूसिव एवं इक्विटिशियस ग्रोथ के लिए रूपरेखा तैयार कर कार्य किया है। प्रदेश में निवेश को आकर्षक बनाने के लिए हमने सभी स्टेक होल्डर से विस्तृत चर्चा कर पूर्व नीतियों की खामियों को दूर करते हुए उनके स्थान पर नई नीतियाँ जैसे MSME, माइंस, स्टार्टअप, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री मार्केटिंग, ITES, न्यू टूरिज्म यूनिट एवं बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसीज जारी की एवं कई सुधारात्मक कदम उठाए। परिणाम स्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में विश्व में सकारात्मक दृष्टिकोण बना है। नवंबर 2015 में आयोजित रिसर्जेंट राजस्थान में स्वदेशी ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों ने भी प्रदेश में कुल 3,21,000 करोड़ रुपये का निवेश करते हुए 295 MOUs किए। ये हमारे द्वारा जारी की गई नीतियों में निवेशकों का विश्वास ही है कि रिसर्जेंट राजस्थान कार्यक्रम के 3 महीने बाद भी 11,531 करोड़ रुपए के 51 MOUs और किए गए। हमने इन MOUs की क्रियान्विति के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है तथा आगे हमारा प्रयास होगा कि इन सभी प्रोजेक्ट्स को शीघ्र ही धरातल पर लाया जाए जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो तथा प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। निवेश में वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय, सुशासन एवं जॉब क्रिएशन हमारी सरकार के मजबूत स्तंभ हैं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पहल करते हुए हमारी सरकार ने भामाशाह योजना, भामाशाह स्वरोजगार सृजन, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, आरोग्य राजस्थान, मुख्यमंत्री जन आवास, अन्नपूर्णा भंडार जैसी अनूठी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। न्याय आपके द्वार अभियान के तहत राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 21,00,000 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में ऑब्सोलीट तथा इररेलेवेंट 61 मूल एवं 188 संशोधित नियमों को रिपील किया है। हमारा मानना है कि राज्य के हर व्यक्ति की समस्या का समयबद्ध एवं नियमानुसार उचित समाधान हो। अब जनता शिकायत की रसीद प्राप्त कर सकती है। हमारे द्वारा बनाए गए राजस्थान संपर्क ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हमने इस सपने को साकार करने का प्रयास किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा इन शिकायतों पर हुई कार्रवाई की सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग करने के साथ साथ जमीनी स्तर पर जाकर विभिन्न स्तरीय सत्यापन की संस्थागत व्यवस्था की गई है और संपर्क पोर्टल पर फोटो अपलोड करने का भी प्रावधान किया है। यही नहीं, शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट नहीं होने पर शिकायतकर्ता को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह अपनी ग्रीवेंस की पुनः जाँच करा सके। जन अभाव अभियोग की सुनियोजित व्यवस्था के कारण 7,00,000 से भी अधिक दर्ज शिकायतों में से 89% शिकायतों का निस्तारण फरवरी 2016 तक किया जा चुका है। आमजन की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बनाई गई हमारी योजनाओं की सफलता ही आधुनिक और प्रगतिशील राजस्थान की आधारशिला को मजबूती प्रदान करेगी।
मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने गत दो वर्षों में सुराज संकल्प में किए गए वायदों को पूरा करने के जो प्रयास किए हैं उनसे राज्य में विजन 2020 के तहत हमारी सरकार द्वारा राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने की कल्पना साकार हो रही। कौशल विकास, ई गवर्नेंस, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, जल ग्रहण विकास एवं सहकारिता के क्षेत्र में किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहते हुए राज्य को पुरस्कृत भी किया गया है। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा किए गए वायदे पूरे होंगे और हम सभी के सपने सच होंगे। राज्य के सर्वांगीण विकास और नव निर्माण के लिए टीम राजस्थान किस तरह समर्पित होकर कार्य कर रही है इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है कि जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के संसाधन जुटाने के लिए सांसद, विधायक, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन जनप्रतिनिधि, अधिकारी, मीडिया, आमजन और सिविल सोसाइटी का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के लिए बाड़मेर के बूढ़ीवाड़ा गांव के हर परिवार ने इस योजना के लिए श्रमदान, ट्रैक्टर, जेसीबी या धनराशि आदि में से किसी एक माध्यम से अपना योगदान देने का निश्चय किया है। राजस्थान के विकास को ध्यान में रखते हुए किए गए इस प्रयास की एवं इस तरह के अन्य प्रयासों की जितनी सराहना की जाए वो कम है। इस योजना के लागू होने के पूर्व से ही ऐसा सहयोग मिलना राज्य की प्रगति के लिए एक हेल्थी इंडिकेटर है। यह अभियान जन क्रांति का रूप ले चुका है और इस योजना के लिए मिल रहे जन सहयोग से हम सब बहुत उत्साहित हैं तथा मैं इस अभियान से जुड़े सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करना चाहती हूं। वर्तमान वर्ष वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण गत सरकार के समय विद्युत वितरण कंपनियों का कुप्रबंधन, उनका 80,000 करोड़ रुपये का विशाल ऋण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के गिरते हुए मूल्य को के कारण राजस्व में आई कमी एवं वेतन पेंशन पर बढ़ता हुआ व्यय रहा है। मैंने समय समय पर सदन के अंदर तथा विभिन्न सार्वजनिक मंचों के माध्यम से प्रदेश की चरमराई अर्थव्यवस्था, वित्तीय कुप्रबंधन और विशाल कर्ज के बोझ का उल्लेख आमजन, जनप्रतिनिधि और मीडिया के समक्ष विस्तार से किया है। गहन अध्ययन और ठोस आंकड़ों के आधार पर हमने आने वाले जिस मुश्किल दौर का उल्लेख किया था और जिस बात की मुझे पूर्ण आशंका थी वह अब सच साबित हुई है। राजस्थान की वित्तीय स्थिति और अर्थव्यवस्था पर होने वाले दूरगामी प्रभाव का अध्ययन किए बिना मात्र राजनीतिक लाभ के लिए गत सरकार द्वारा लिए गए वित्तीय फैसलों का दुष्प्रभाव अब प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं अपने बजट भाषण के दौरान आगे भी उल्लेख करूंगी। इन सभी वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद हमने इस बजट में पूंजीगत कार्य एवं सामाजिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं। हमने यह बजट लोगों की उम्मीदों के अनुसार ही बनाने का प्रयास किया है, उनके सपनों को साकार करने का प्रयास किया है। यह बजट सरकार का नहीं बल्कि प्रदेश की 7 करोड़ से अधिक जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और भावनाओं का प्रतिबिंब है। इस बजट के माध्यम से हमने आगामी 3 वर्षों के लिए राज्य के अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने की कोशिश की है, जो 3 साल में हमारे प्रदेश को एक ऐसे स्वच्छ राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान की ओर ले जाएगा, जहां मजबूत आर्थिक आधारभूत ढांचे के साथ साथ आम जन के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच होगा, जो किसी परिवार के जीवन में आने वाले आपदाओं के समय उसे संबल प्रदान कर सकेगा, उनकी जिंदगी में खुशहाली ला सके और राजस्थान को सशक्त, समृद्ध, स्वाभिमानी और खुशहाल बना सके। 3 वर्षों के अंत में मैं एक ऐसे प्रदेश की परिकल्पना कर रही हूँ जहाँ के नागरिक स्किल्ड एवं डिजिटली एजुकेटेड हों तथा सरकार की कार्यप्रणाली सरल, पारदर्शी और एफिशिएंट हो और जो विजन 2020 को हासिल करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो। हमने लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को साकार रूप देते हुए पूर्व वर्ष की भांति डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की भावना को संबल प्रदान करने की दृष्टि से जिला स्तर के जनप्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा करने के बाद
जिलेवार कार्यों में से आवश्यकता अनुसार कुछ को चिन्हित करते हुए संबंधित विभागों के एक्शन प्लान में शामिल करने का प्रयास किया है। आम जन की इन्हीं भावनाओं को समझते हुए बिजली, पेयजल, कृषि, सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है। आर्थिक आधारभूत ढांचा में सड़क। राज्य में ग्रामीण सड़क तंत्र व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से हमारे द्वारा गत वर्ष ग्रामीण गौरव पथ योजना प्रारंभ की थी। प्रथम चरण में 1984 पंचायत मुख्यालयों पर 1027 करोड़ रुपए की लागत से 1955 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण कार्य जून 16 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। ग्रामीण गौरव पथ योजना को आम जन ने सराहा है। साथ ही 608 करोड़ रुपए की लागत से 2182 किलोमीटर लंबाई की 1009 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कार्य आगामी वर्ष में पूर्ण कर दिया जाएगा। ग्रामवासियों, विशेष तौर पर महिलाओं की मांग को देखते हुए मैं घोषणा करती हूँ कि द्वितीय चरण के तहत आगामी वर्ष में 2000 और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ और मिसिंग लिंक सड़कों को के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आगामी दो वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 से 350 तक की आबादी के 1468 बसावटों को 1616 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से 4303 किलोमीटर लंबाई की सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में कराए जा रहे 2702 किलोमीटर लंबाई की नॉन पैचेबल मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कों व ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण के कार्य तथा 99 पुलिया के निर्माण कार्य 605 करोड़ रुपए की लागत से आगामी वर्ष में पूर्ण कर लिए जाएंगे। साथ ही वर्ष 2016-17 में 2500 किलोमीटर लंबाई से अधिक के अन्य नॉन पैचेबल सड़कों के नवीनीकरण का कार्य 600 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से 499 तक की आबादी के गांव को सड़क से जोड़ने की योजना के तहत जनवरी 2016 तक 2071 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण कर 934 गांवों को जोड़ा जा चुका है एवं 85 गांवों को और जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। शेष 37 गांवों को नवीन तकनीक के आधार पर जोड़ने का कार्य भी आगामी वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा और इस योजना पर आगामी वर्ष में 142 करोड़ 85 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। भरतपुर में गोवर्धन व ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा का मार्ग सही नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर आवागमन को सुगम बनाने और यात्रियों को विविध सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु 103 करोड़ 94 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। रामदेवरा पश्चिमी राजस्थान में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए जोधपुर से रामदेवरा तक कच्चा मार्ग बनाए जाने के लिए सभी वर्गों द्वारा मांग की जा रही है। अतः जोधपुर से रामदेवरा तक 14 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से 4 मीटर चौड़ाई का कच्चा मार्ग बनाया जाएगा। राज्य में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत 337 करोड़ रुपए की लागत से निम्न 10 ROBs के निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। सोजत जिला पाली के रेलवे स्टेशन के पास LC नंबर 53, जैतपुरा खोड़ जवाली सड़क जिला पाली पर LC नंबर 70, चानोद कैनपुरा रानी सड़क जिला पाली पर LC नंबर 74, जवाई बांध बलवाना बीसलपुर सड़क जिला पाली पर LC नंबर 88, शाहपुरा चिड़ावा सड़क जिला सीकर पर LC नंबर 72 एवं LC नंबर 85, श्री माधोपुर जिला सीकर में LC नंबर 102, बैराज बंधे के बालाजी फुलेरा सड़क जिला जयपुर पर LC नंबर 249, दूदू सांबर सड़क जिला जयपुर पर LC नंबर 5, सिरोही से बनास JK फैक्ट्री जिला सिरोही पर LC नंबर 108। इसके अतिरिक्त 761 करोड़ रुपए की लागत से निम्न 19 अन्य ROBs एवं 2 RUBs का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। नसीराबाद मांगलियावास जिला अजमेर में LC नंबर 18,
नेशनल हाईवे 79-2 के स्वरूपगंज जिला भीलवाड़ा LC नंबर 72, राज्य राजमार्ग जिला उदयपुर में LC नंबर 43-10, खान भाकरी दौसा कुंडल सड़क जिला दौसा में LC नंबर 156, धौली गुमटी फाटक जिला दौसा में LC नंबर 175, जेठी वाली फाटक जिला जयपुर LC नंबर 206, जालोर बाकरा राजमार्ग जिला जालोर में LC नंबर 56, भीनमाल रानीवाड़ा राजमार्ग जिला जालोर में LC नंबर 109, राज्य राजमार्ग जिला भरतपुर में LC नंबर 214 एंड LC नंबर 219, मुख्य जिला सड़क जिला बूंदी में LC नंबर 136, मुख्य जिला सड़क जिला झालावाड़ में LC नंबर 32, फुलेरा मेड़ता सड़क जिला जयपुर LC नंबर 1, सवाई माधोपुर सड़क जयपुर सड़क जिला जयपुर LC नंबर 70, रेवाड़ी रिंगस फुलेरा सड़क जिला जयपुर LC नंबर 142, हनुमानगढ़ लोहारू सड़क जिला हनुमानगढ़ LC नंबर 265, मथुरा अलवर सड़क जिला अलवर LC नंबर 95, कोटा रुथियाल सड़क जिला कोटा LC नंबर 38, कोटा मथुरा सड़क जिला बूंदी LC नंबर 116, डाबला आंसलू जिला चूरू 275 किलोमीटर पर, सातड़ा जुहारपुरा सहनावाली छोटी जिला चूरू 298 किलोमीटर पर। राज्य के ऐसे आबादी क्षेत्र जहां से राजमार्ग गुजरते हैं के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नया बाईपास बनाया जाता है, तब आबादी क्षेत्र से निकलने वाली पूर्व में निर्मित राज्य मार्गों का समुचित रखरखाव नहीं हो पाता है। पूर्व में निर्मित ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का कार्य 300 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। मुझे सदन को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष राज्य में 4 नए राष्ट्रीय मार्गों की घोषणा की है, जो कि निम्नानुसार है: राष्ट्रीय राजमार्ग 48 दूदू के समीप से नरेना सांबर नारायणपुरा कुचामन सिटी बुदसू एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप छोटी खाटू, मंदसौर प्रतापगढ़ धरियाबाद सलुम्बर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 927 के समीप डूंगरपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप फलोदी से नागौर तरनाव छोटी एवं राजमार्ग 458 के समीप खाटू, राष्ट्रीय राजमार्ग 752 के समीप कवई से छबड़ा एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 46 से समीप सदा कॉलोनी। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए प्रदेश की वार्षिक योजना को बढ़ाकर 2615 करोड़ 90 लाख रुपए किया गया है, जो कि वर्ष 2013-14 की 676 करोड़ रुपए की योजना से 3 गुना से भी अधिक है। इस हेतु मैं प्रदेश की ओर से केंद्र का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए आगामी वर्ष में 5690 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान से 21.90% अधिक है। सड़क और परिवहन। राज्य में प्रदूषण जांच केंद्रों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से एवं समस्त वाहनों की प्रदूषण जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के समस्त प्रदूषण जांच केंद्रों को नेटवर्किंग के माध्यम से निजी जन सहभागिता के आधार पर जोड़ा जाएगा। नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण के साथ साथ हार्डवेयर कनेक्टिविटी ब्रेथ एनालाइजर CCTV कैमरा उपलब्ध कराने हेतु 27 करोड़ 58 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। जोधपुर में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के नवीन भवन और कंप्यूटरीकृत ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण 9 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बस ऑपरेटर्स के माध्यम से ग्रामीण परिवहन बस सेवा संचालित की जा रही है। इस सुविधा को उपलब्ध कराने में निजी बस ऑपरेटर्स को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। राजस्थान पथ परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए 2016-17 में निम्नलिखित प्रावधान किए जा रहे हैं: रिफॉर्म लिंक्ड प्लान के तहत 120 करोड़ रुपये का की अनुदान राशि, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण को निगम की स्थानांतरित की जाने वाली संपत्तियों के विरुद्ध 300 करोड़ रुपए की अंश पूंजी, राज्य सरकार द्वारा बस यात्राओं पर दी जा रही विभिन्न रियायतों के लिए 160 करोड़ रुपए का अनुदान। पेयजल। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर शहर गाँव ढाणी तक शुद्ध पेयजल पहुँचाना अपने आप में एक चुनौती है।
राज्य में सतही जल के स्रोत की कमी और भूजल में गुणवत्ता की समस्या के कारण शुद्ध पेयजल की योजनाओं की पूंजीगत लागत के साथ साथ संचालन एवं रख रखाव पर भी भारी वित्तीय खर्च होता है। राज्य में चल रही विभिन्न पेयजल योजनाओं का विद्युत भार ही प्रतिवर्ष 900 करोड़ रुपए से भी अधिक है, जबकि पेयजल के आय मात्र इसकी एक तिहाई है। हमने 18 वर्ष बाद पेयजल की दरों में परिवर्तन किया है। प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति करने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में इन योजनाओं में न केवल सुधार होगा बल्कि पेयजल के सही उपयोग के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न होगी। पेयजल योजनाओं पर सरकार के प्रथम दो वर्षों में हमने 8,500 करोड़ रुपए से भी अधिक का व्यय किया है, जबकि गत सरकार द्वारा प्रथम दो वर्षों में मात्र 3,785 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। प्रदेश में अब तक 1,20,000 से भी अधिक गांव ढाणियों में से 68,099 गांव ढाणियों को पूर्ण रूप से पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2016-17 में 2,000 अन्य हैबिटेशन वो 18 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। हमने निर्णय लिया है कि पेयजल योजनाओं को स्वीकृत करने का मापदंड पॉपुलिज्म की जगह जन कल्याण होगा। इस हेतु लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करना हमारी प्राथमिकता रही है। हम चाहते तो पूर्व सरकार की तरह अनेक परियोजना बिना समुचित वित्तीय प्रबंधन के स्वीकृत करते रहते, परंतु हमने गत दो वर्षों में पूर्व की 24 स्वीकृत बृहद पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इनमें से 19 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और लगभग 47 लाख जनसंख्या शुद्ध पेयजल से लाभान्वित हो रही है। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2016-17 में बृहद परियोजना के लिए 2,950 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें से 13 लंबित पेयजल योजनाओं के लिए 831 करोड़ रुपये का प्रावधान उपलब्ध कराते हुए पूर्ण करने की मैं घोषणा करती हूँ। इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है। तिवरी मथानिया ओसिया भोपालगढ़ पेयजल परियोजना जिला जोधपुर वर्ष 2007 की स्वीकृति। कोलायत लिफ्ट जल प्रदाय योजना जिला बीकानेर वर्ष 2007 की स्वीकृति। बीसलपुर दूधू फुलेरा पेयजल परियोजना जिला जयपुर एवं टोंक वर्ष 2002 की स्वीकृति। चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना जिला भीलवाड़ा। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तहसील चाकसू जिला जयपुर। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तहसील फागी जिला जयपुर। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तहसील निवाई तथा टोंक जिला टोंक। बांसवाड़ा पेयजल परियोजना जिला बांसवाड़ा। चंबल बूंदी पेयजल परियोजना जिला बूंदी। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना फलोदी हेडवर्क्स भौरी कला खारा जालोड़ा जिला जोधपुर। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना RGLC RD42 घाटोर कानासर बाप जिला जोधपुर। बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण क्लस्टर पार्ट बी जिला बाड़मेर। जवाई पाली योजना द्वितीय चरण पार्ट टू जिला पाली। इन योजनाओं के पूर्ण होने से 5 कस्बे 4,586 गांव एवं हैबिटेशन की लगभग 28 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी। जयपुर शहर के विस्तारीकरण के पेयजल की बड़ी मांग को दृष्टिगत रखते हुए बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना द्वितीय चरण का कार्य 1,945 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा। राज्य के कुछ चयनित जिलों में वर्षों से पेयजल आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं। इसी क्रम में अब मैं घोषणा करती हूं कि इन प्रोजेक्ट्स की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण के माध्यम से कराकर कार्य प्रारंभ करेगी। योजनाएँ निम्नानुसार हैं। राजसमंद जिले के लिए देवास 3 से पानी राजसमंद झील में लाने हेतु प्रथम चरण में 1,064 करोड़ रुपए की लागत से कार्य। बाड़मेर जिले की चौटन तहसील के 188 गांव तथा गुड़ामलानी तहसील के 308 गांव को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु क्रमशः 459 करोड़ 64 लाख रुपए और 481 करोड़ 32 लाख रुपए की योजना है। झुंझुनू जिले में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से सूरजगढ़ कस्बा और सूरजगढ़ चिड़ावा एवं बुहाना तहसील के 190 गांव और 69 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 624 करोड़ 85 लाख रुपए की योजना है। उदयपुर बाटी क्षेत्र के 94 गांव और 504 ढाणियों की पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु 644 करोड़ 93 लाख रुपये की योजना।
सिरोही जिले में पेयजल समस्या के समाधान हेतु बत्तीसा नाला पर बांध बनाकर पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर 213 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दौसा जिले की पेयजल की समस्या के तात्कालिक समाधान बड़ा है पर तात्कालिक समाधान के लिए 14 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। अट्रू शेरगढ़ जिला 12 पेयजल परियोजना का कार्य 80 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। राज्य में बंद पड़ी जनता जल योजनाओं को दुरुस्त कर पुनः चालू करने हेतु वर्ष 2015-16 में 80 करोड़ रुपए की लागत से 1000 योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्य हाथ में लिए गए हैं और वर्ष 2016-17 में भी 1000 और जनता जल योजनाओं को दुरुस्त करने के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इस हेतु आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता व फिजिबिलिटी के अनुसार 4000 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे। इस हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। गत वर्ष में मैंने बीकानेर हनुमानगढ़ चूरू गंगानगर जिले में विभाग द्वारा संधारित डिग्गी से संचालित पेयजल योजनाओं के रख रखाव के लिए घोषणा की थी। आगामी वर्ष ऐसे पेयजल योजनाओं का दुरुस्तीकरण 50 करोड़ रुपये की लागत से कराया जाएगा। जैसलमेर जिले में डीजल जनरेटर सेट से संचालित 8 योजनाओं को अब सौर ऊर्जा से चलाने का पायलट प्रोजेक्ट हाथ में लिया जाएगा। इस हेतु 3,29,00,000 रुपए का व्यय प्रस्तावित है। ऊर्जा, जैसे कि आपको विदित है, गत सरकार के कार्यकाल में विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण एवं वार्षिक घाटे में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत तक इनका ऋण भार 72,722 करोड़ रुपये हो गया था तथा वार्षिक घाटा 15,645 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। गत दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। परिणाम स्वरूप वर्ष 2014-15 में इन कंपनियों का घाटा 3,172 करोड़ रुपए कम हुआ तथा इस वर्ष भी लगभग 3,500 करोड़ रुपए का घाटा कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इन कंपनियों का ऋण भार इतना अधिक हो गया है कि ऋण की मूल राशि का एवं उसका लगभग 8,000 करोड़ का रुपए का वार्षिक ब्याज भुगतान अपने तर से करने हेतु डिस्कॉम के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। गत सरकार द्वारा आधारभूत संरचना की उपेक्षा की कड़ी में ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना की भी उपेक्षा की गई। वित्तीय पुनर्गठन योजना 2012 में को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया और विद्युत कंपनियों को घाटे से उबारने के सुनियोजित संगठित और सार्थक प्रयास नहीं किए गए। इतना ही नहीं, ऊर्जा क्षेत्र में दूरगामी सोच के तहत संस्थागत सुधार की दिशा में ठोस सकारात्मक प्रयास का अभाव रहा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने डिस्कॉम के रिवाइवल के लिए उनके कर्ज का भार अपने ऊपर लेते हुए भारत सरकार की उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना उदय के तहत विद्युत वितरण कंपनी के 30 सितंबर 2015 को अवशेष ऋण राशि 80,530 करोड़ रुपए का 75% टेक ओवर करने का निर्णय लिया। इसमें से लगभग 40,000 करोड़ रुपए का टेक ओवर वर्ष 2015-16 और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का टेक ओवर वर्ष 2016-17 में किया जाएगा। इस प्रकार लगभग 60,000 करोड़ रुपए के ऋण टेक ओवर करने का एक साहसिक फैसला लिया है। यहां मैं ये कहना चाहती हूं कि मुश्किलों से भाग जाना तो आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संस्थागत सुधार पर निरंतर ध्यान देने का नतीजा रहा है कि हमारी सरकार के प्रथम दो वर्ष में विद्युत उत्पादन क्षमता में 4,283 मेगावाट की वृद्धि हुई है, जबकि गत सरकार के प्रथम दो वर्षों में 2,293 मेगावाट की वृद्धि थी। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। 1,273 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर राजस्थान देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। यही नहीं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा
420 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा भडला जिला जोधपुर में विकसित किए जा रहे सोलर पार्क में लगाई जाएंगी। इस हेतु एनटीपीसी द्वारा आमंत्रित निविदाओं में सौर ऊर्जा का जो टैरिफ प्राप्त हुआ है वह पूरे देश में सबसे कम है। राज्य की मांग के अनुसार के अनुरूप प्रसारण एवं वितरण तंत्र को सुदृढ़ व विकसित करने के लिए गत दो वर्षों में 765 केवी के दो, 400 केवी का एक, 220 केवी के 17, 132 केवी के 33 ग्रिड सब स्टेशन तथा 33 केवी के 643 सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। आगामी वर्ष में 220 केवी के 6, 132 केवी के 16 और 33 केवी के 200 नए सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2014-15 और 15-16 में 40,000 कृषि कनेक्शन दिए जाने का मैंने उल्लेख किया था। आगामी वर्ष में भी 40,000 नवीन कृषि कनेक्शन दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। जनजाति उपयोजना एवं शहरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के कृषकों को ऑन डिमांड कृषि कनेक्शन देने का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में अन्य श्रेणी के लंबित कृषि आवेदकों को मार्च 2018 तक कनेक्शन देने की तथा अप्रैल 2018 से इन क्षेत्रों में ऑन डिमांड कृषि देने की मैं घोषणा करती हूँ। कृषि कनेक्शन दिए जाने के निर्धारित सीमा के अधीन बूंद बूंद फारा एवं डिग्गी सिंचाई पद्धति आधारित कृषि कनेक्शनों को उनकी प्राथमिकता के समकक्ष प्रार्थी को सामान्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन जारी होने पर सामान्य योजना में परिवर्तित किया जाता है। कृषकों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए मैं ये घोषणा करती हूँ कि इन योजनाओं में दिए गए कनेक्शनों को अधिकतम 5 वर्ष पश्चात सामान्य योजना में परिवर्तित कर दिया जाएगा। राज्य के अविद्युतीकृत गाँव और ढाणियों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने के लिए वर्ष 2016-17 में 24 करोड़ 97 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वितरण तंत्र के निकट होने पर भी बिजली कनेक्शन से वंचित आवासों को कनेक्शन देने हेतु वर्ष 2015-16 में प्रत्येक उपखंड पर कैंप आयोजित कर 2,84,000 घरेलू कनेक्शन दिए थे। आगामी वर्ष में भी आमजन की सुविधा के लिए इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाएगा और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और अन्य योजनाओं के अंतर्गत आगामी वर्ष में 8 लाख ग्रामीण आवासियों को विद्युत करने के लिए मैं घोषणा करती हूँ। राज्य में 40% से अधिक बिजली की खपत कृषि क्षेत्र में होती है। बिजली की बचत के लिए वर्ष 2016-17 में प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी में पायलट बेसिस पर चिन्हित क्षेत्रों में किसानों को पुराने पंप सेट के बदले नवीन एनर्जी एफिशिएंट पंप सेट योजनाबद्ध और चरणबद्ध रूप से दिए जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस पर विशेष ध्यान देते हुए नए औद्योगिक विद्युत कनेक्शनों के लिए पर्यावरण नियंत्रण मंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब मैं घोषणा करती हूँ कि 33 केवी तक के विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत निरीक्षक के सर्टिफिकेशन के बदले सेल्फ सर्टिफिकेशन को मान्यता प्रदान की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान के प्रति राजस्थान राज्य समर्पित है। इसी कड़ी में वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा निर्धारित दर पर इनसे विद्युत क्रय करने की मैं घोषणा करती हूँ। पर्यटन, कला और संस्कृति। प्रदेश को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में प्रोजेक्ट करने हेतु हमने इस वर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, सोशल मीडिया आदि में एक बृहद स्तर पर अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन जनवरी 2016 से लॉन्च किया है। इसका रिस्पांस पॉजिटिव रहा है। इसी क्रम में आगामी वर्ष में भी व्यापक प्रचार प्रसार हेतु 62,33,00,000 रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए इस वर्ष के संशोधित प्रावधान के मुकाबले 79% वृद्धि कर आगामी वर्ष में 62,16,00,000 रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य के विशाल भौगोलिक क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटकों की सुविधा के लिए हवाई परिवहन की सुविधाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है। राज्य की हवाई पट्टियों के सुधार और विकास हेतु आगामी वर्ष में 17,88,00,000 रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। आमेर, नाहरगढ़, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर, हवा महल, विद्याधर का बाग, सिसोदिया रानी का बाग एवं परियों के बाग के विकास एवं संधारण के लिए आगामी वर्ष में 22,60,00,000 रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
आगामी वित्तीय वर्ष में सवाईमाधोपुर और झालावाड़ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और धौलपुर और बारा में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। साथ ही उदयपुर के फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में अपग्रेड किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे थिएटर, संगीत और नृत्य का केंद्र बनाने के लिए आगामी वर्ष में कुल 7 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में प्राचीन दुर्लभ सचित्र हस्तलिखित ग्रंथों का अमूल्य संग्रह है। इस दुर्लभ सांस्कृतिक धरोहर की पहुंच आम जन तक हो सके, इस हेतु संग्रहालय में ग्रंथों एवं चित्रों को सुसज्जित किया जाएगा। साथ ही शोधकर्ताओं को इस प्रतिष्ठान में उपलब्ध 30,000 पुस्तकों का अध्ययन करने हेतु 1,50,00,000 रुपये की लागत से आधुनिक संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक के प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज बीकानेर के अभिलेखागार में संग्रहित हैं। इन्हें शोधकर्ताओं, पर्यटकों एवं आमजन के लिए प्रदर्शित करने के लिए 10,80,00,000 रुपये की लागत से एक म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। अजमेर स्थित शैक्षणिक फिल्म लाइब्रेरी में अत्यंत दुर्लभ फिल्में उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ आज़ादी से पूर्व के मूल प्रिंट भी हैं। लाइब्रेरी में उपलब्ध दुर्लभ और प्राचीन फिल्मों को डिजिटाइज करवाकर हेरिटेज के रूप में विकसित करने तथा उच्च स्तर की लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया जा रहा है। कथक नृत्य की प्राचीन एवं शास्त्रीय शैली में जयपुर घराना अपनी पृथक महत्वपूर्ण पहचान रखता है। जयपुर कथक केंद्र द्वारा इस शैली के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जयपुर कथक केंद्र परिसर से के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के लिए 1,65,00,000 रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। संस्कृत भाषा एवं उसके साहित्य के विकास और प्रोत्साहन करने की दृष्टि से जयपुर के गणगौरी बाजार में राजस्थान संस्कृत अकादमी के भवन को वैदिक हेरिटेज, पांडुलिपि संरक्षण एवं शोध केंद्र के रूप में संचालित किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में संत रैदास पैनोरामा चित्तौड़गढ़, बाबूजी का पैनोरामा कोलू जोधपुर, नागरीदास पैनोरामा किशनगढ़ अजमेर, कालीबाई पैनोरामा डूंगरपुर, पन्नाधाय पैनोरामा कमेरी राजसमंद, हसन खां मेवाती पैनोरामा अलवर, राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, बप्पा रावल पैनोरामा मठाठा, उदयपुर महाकवि माघ एवं गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त पैनोरामा भीनमाल जालोर, महाराणा राज सिंह पैनोरामा राजसमंद एवं धन्ना भगत पैनोरामा जिला टोंक के कार्य 15 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। देवस्थान प्रदेश के 12 प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों खाटू श्याम जी सीकर, डिग्गी मालपुरा टोंक, चौथ माता का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर, मातृकुंडिया चित्तौड़, मेहदीपुर बालाजी करौली, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, धाम रामदेवरा लुधरवा जैसलमेर, सालासर हनुमान जी चूरू, पुष्कर एवं बूढ़ा पुष्कर अजमेर, रूप नारायण जी मंदिर, चारभुजा जी मंदिर राजसमंद और मगरा मेरवाड़ा के क्षेत्र का विकास 35 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध रूप से करवाया जाएगा। राज्य के प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के जीर्णोद्वार एवं अन्य विकास कार्य हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। वन और पर्यावरण शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने हेतु राज्य में नगर वन उद्यान योजना लागू की जाएगी। प्रथम चरण में राज्य जयपुर व अजमेर में कम से कम 20 हेक्टेयर भूमि पर नगर वन उद्यान विकसित किए जाएंगे, जिनमें स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष, औषधीय पौधे, जॉगिंग ट्रैक्स और साइकिल ट्रैक्स आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत वन्य जीव क्षेत्रों तथा गैर वन क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य के 17 जिलों यथा अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही में 156,61,00,000 रुपये की लागत से विशेष परियोजनाएँ क्रियान्वित की जाएंगी। राज्य में वन विकास और वन्य जीव संरक्षण हेतु वर्ष 2016-17 में कैंपा फंड के माध्यम से 138 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच स्थित गांवों के निवासियों के लिए वर्तमान में प्रचलित पुनर्वास पैकेज की समीक्षा कर उसे तर्कसंगत बनाया जाएगा। ये पुनर्वास का पैकेज उन्हीं गाँवों पर लागू होगा जो स्वेच्छा से अपने पुनर्वास की इच्छा व्यक्त करते हैं।
टाइगर रिजर्व क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में नवीन कुकिंग गैस कनेक्शंस हेतु वर्तमान में लागत का 50% अनुदान देय है, जिसे बढ़ाकर 100% करने की मैं घोषणा करती हूं और आगामी वर्ष में 40,000 गैस कनेक्शन दिए जाना प्रस्तावित है। रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया हुआ है। मैं अब सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट के लिए भी एसटीपीएफ के गठन की घोषणा करती हूं। इन दो नए एसटीपीएफ के लिए पुलिस की जगह फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट वॉचर्स नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी भर्ती केवल प्रोजेक्ट से विस्थापित होने वाले गांव, प्रोजेक्ट से सटे हुए गांव और उनके बफर क्षेत्र में स्थित गाँव के युवाओं में से होगी। इस हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। पर्यावरणीय गुणवत्ता में गिरावट के प्रति बढ़ती चिंता को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा पर्यावरण संबंधी विषयों पर कौशल विकास के उद्देश्य से उत्कृष्ट संस्थाओं के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत आने वाले जो उद्योग इंडस्ट्रियल वेस्ट के उत्पादकों का निर्माण करेंगे, ऐसे पर्यावरण हितैषी उद्योगों की स्थापना के लिए महिला और युवा उद्यमियों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और इस हेतु 5 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन कैटेगरी के उद्योगों के संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत दी जाने वाले कंसेंट की अवधि 3, 5 व 10 वर्ष होती है, जिसे बढ़ाकर क्रमशः 5, 10 व 15 वर्ष किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य के ग्रीन कैटेगरी में वर्गीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जिनमें वायु और जल प्रदूषण होने की संभावना नगण्य है को मंडल से जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत कंसेंट प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त करने की मैं घोषणा करती हूँ। निवेश एवं आर्थिक वृद्धि में उद्योग वर्ष 2015-16 के बजट में उद्योगों के लिए लैंड बैंक बनाने की घोषणा की गई थी। रीको द्वारा राज्य में 6,800 हेक्टेयर भूमि का लैंड बैंक बनाया जा चुका है और आगामी वर्ष में लैंड बैंक को 10,000 हेक्टेयर भूमि तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि की सूचना GIS के माध्यम से जनसाधारण को उपलब्ध करवाई जाएगी। तेजी से बदलते औद्योगिक परिवेश में उद्यमी भूमि एवं भवन पर पूंजी निवेश करने के स्थान पर समस्त सुविधा युक्त परिसर में अपना प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहते हैं। राज्य में पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्रीज की स्थापना को सुगम बनाने के लिए रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में प्लग एंड प्ले सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2015 लागू की गई है। इसके तहत राज्य में युवा उद्यमियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और इस हेतु वर्ष 2016-17 में 10 करोड़ 85 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण ESDM क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए रीको द्वारा कारोली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में 122 एकड़ भूमि क्षेत्र पर ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। बालोतरा, पाली और जसोल में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन को मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 67 करोड़ रुपये का अंशदान दिया जाएगा। टेक्सटाइल क्षेत्र में लगभग 11,000 युवकों को इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत अब तक प्रशिक्षित युवकों में से 90% को रोजगार उपलब्ध हो चुका है। विश्व बैंक एवं औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान प्रदेश देश में 6ठे स्थान पर है। हमारी सरकार राज्य में उद्योग की स्थापना और उसके संचालन को आसान बनाना चाहती है। इसके लिए मैं वर्तमान में संचालित सिंगल विंडो व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। नवीन व्यवस्था में संबंधित विभाग, बोर्ड, प्राधिकरण के एक एक अधिकारी को सशक्त किया जाकर एकल खिड़की के तहत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण हेतु जिम्मेदार बनाया जाएगा, जिससे कि एकल खिड़की पर कार्यरत विभागीय पदाधिकारी स्वयं के स्तर पर ही निर्णय ले सकें और उद्योग स्थापित करने की अनुमति त्वरित गति से मिल सके। साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2014 को पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए रिप्स ऑनलाइन पोर्टल को राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा।
नवयुवकों में डिज़ाइन डेवलपमेंट के प्रति रुचि को देखते हुए राज्य में जयपुर के पास डिज़ाइन इनोवेशन हब बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। लघु उद्योग, राज्य की अर्थव्यवस्था में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में एमएसएमई पॉलिसी के साथ साथ अन्य योजनाएं जारी की गई हैं। इस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए हम निम्न कदम उठाएंगे। जयपुर और अजमेर में एमएसएमई इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार के सेंटर सभी जिला उद्योग केंद्र में चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से राज्य में उद्यमियों के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना हेतु आवेदन से अनुमोदन तक की संपूर्ण प्रक्रिया को एकीकृत रूप से सरल, समयबद्ध और सुगम बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन सिंगल विंडो की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। माइक्रो एंटरप्राइज की स्थापना करने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से लाइवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के शिल्प का स्तर उन्नत करने, मार्केट लिंकेज विकसित करने और शिल्पकारों के कौशल विकास हेतु हमने राजस्थान क्राफ्ट काउंसिल का गठन किया है। हैंडमेड इन राजस्थान ब्रांड को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश को दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बसे शिल्पकारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऑनलाइन हैंडमेड इन राजस्थान पोर्टल स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण आकृषि विकास अभिकरण रूडा के माध्यम से आगामी 5 वर्ष में 60,000 आर्टिसंस को उच्च स्तर पर प्रशिक्षण दिलाने हेतु प्रोफेशनल सर्विसेज हायर किए जाएंगे और इस हेतु आगामी वर्ष में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। खादी को फैशन की मुख्य धारा में लाने और राजस्थान खादी बोर्ड के नए शोरूम खोलने के लिए 2,50,00,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान लेदर हैंडीक्राफ्ट एंड मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत ग्रामीण दस्तकार समुदाय द्वारा संचालित चमड़ा आधारित हाउसहोल्ड उद्योग के लिए विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और आगामी वर्ष में इस योजना का प्रावधान वर्ष 2015-16 के मुकाबले 5 गुना किया जाना प्रस्तावित है और सुजानगढ़ चूरू में उप जिला उद्योग केंद्र खोला जाएगा। खनन क्षेत्र में पर्यावरण की क्षति के साथ साथ खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं उस क्षेत्र की सड़कों के रखरखाव की भी समस्या रहती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 2016-17 में 150 करोड़ रुपए से चिकित्सा, पर्यावरण एवं सड़क संबंधी विकास कार्य करवाए जाएंगे। कृषि फसल रबी 2015 में भीषण ओलावृष्टि के नुकसान होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 8,322 गांव के 29,24,000 प्रभावित काश्तकारों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 2,471 करोड़ रुपए की कृषि अनुदान सहायता राशि इनके खातों में हस्तांतरित की गई, जो कि राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिकतम है। मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहूँगी कि संकट की घड़ी में राज्य सरकार भविष्य में भी हर संभव सहायता करने का प्रयास करेगी। फसलों के होने वाले नुकसान के पुनर्भरण के लिए वर्तमान में संचालित फसल बीमा योजना में कुछ विसंगतियां थीं, जिनको दूर कर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसमें किसानों को कम प्रीमियम दर पर वास्तविक नुकसान की समय पर भरपाई होगी। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाएगी और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम राशि को बढ़ाकर 676 करोड़ 37 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में आज भी अधिकतर जनसंख्या आर्थिक रूप से कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन क्षेत्र पर निर्भर है। मैं घोषणा करती हूँ कि आगामी वर्ष में सुराज संकल्प के दौरान किए गए अपने वादों को पूर्ण करते हुए वर्ष 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2016-17 में 1,170 किसान सेवा केंद्र को क्रियाशील करने के लिए 5,90,00,000 रुपये की लागत से फर्नीचर आदि उपलब्ध करवाया जाएगा। गत वर्ष राज्य में प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई थी, जिसके तहत अब तक 6,28,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत की गई 3,00,000 से भी अधिक मृदा जांचों से स्पष्ट होता है कि राज्य के अधिकांश जिलों में मृदा में प्रमुख रूप से जिंक, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई जा रही है।
सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार राज्य के किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों के किट उपलब्ध करवाए जाने हेतु योजना बनाई जाएगी। वर्ष 2016-17 में किसान भाइयों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए 3,00,000 मेट्रिक टन यूरिया, 20,000 मेट्रिक टन DAP का अग्रिम भंडारण किया जाएगा, जिस पर 39 करोड़ रुपए का व्यय होगा। साथ ही खरीफ में क्षारीय भूमि के सुधार हेतु जिप्सम उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2016 तक 50,000 मेट्रिक टन जिप्सम का अग्रिम भंडार किया जाएगा। राज्य में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए बूंद बूंद सिंचाई एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र पर वर्तमान में देय अनुदान को तर्कसंगत बनाने की मांग कृषकों द्वारा की जा रही है। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए मैं ये घोषणा करती हूँ कि इस योजना के तहत आगामी वर्ष के लघु एवं सीमांत कृषकों को 70% एवं सामान्य श्रेणी के अन्य काश्तकारों को 50% अनुदान दिया जाएगा। ग्रीन हाउस और शेड नेट के लिए भी अनुदान बढ़ाया जाएगा। आगामी वर्ष से लघु और सीमांत कृषक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 70% और सामान्य श्रेणी के अन्य काश्तकारों को 50% अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश के मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्र में वर्षा आधारित खेती परंपरागत तरीकों से की जाती रही है। इन क्षेत्रों के उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, झालावाड़ ऐसे और जैसलमेर जिलों के एक एक विकास खंड को पूर्ण रूप से जैविक खेती में बदलने के लिए विशेष योजना बनाकर पायलट बेसिस पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। राज्य में किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने हेतु विद्युत वितरण कंपनियों को दी जा रहे अनुदान हेतु आगामी वर्ष में 7,205 करोड़ 13 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। गत बजट भाषण में मैंने ऐसे प्रगतिशील किसान जिन्होंने कृषि के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है के तकनीकी ज्ञान और अनुभव का लाभ अन्य काश्तकारों तक पहुँचाने के लिए ऑनररी एक्सटेंशन वर्कर के रूप में मान्यता देने की घोषणा की थी। इस योजना के सार्थक परिणाम को देखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जिले में कम से कम 10 प्रगतिशील कृषकों को जोड़ा जाएगा। और अब मैं घोषणा करती हूँ कि ऐसे प्रगतिशील कृषकों को व्याख्यान मानदेय के रूप में 1,000 रुपये प्रति दिवस दिया जाएगा। कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए मंडी ऑनलाइन को आगे बढ़ाते हुए ई मंडी की स्थापना की जाएगी, जहां किसान अपनी उपज को ऑनलाइन बेच सकेंगे। उद्यान विभाग ने वर्तमान में झालावाड़ में एक नया प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया था। इसमें खेत पर ही 2 दिवस का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। किसान दंपति को वहीं पर बुलाकर सैद्धांतिक के साथ साथ प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अब कृषि एवं उद्यानिकी विषयों पर ऐसे प्रशिक्षण राज्य के सभी जिलों में संचालित किए जाएंगे। राजस्थान राज्य बीज निगम एवं राष्ट्रीय बीज निगम के बीज उत्पादक कृषकों को ऑनलाइन पेमेंट उसके बैंक खाते में सीधे किया जाएगा तथा इसे भामाशाह प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंतर्गत 120 सीटों का BSc कृषि व MBA एग्री बिजनेस का स्ववित्त पोषित इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चालू किया जाएगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा एक बार ही 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा 2,32,000 मेट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण 162 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा। वर्तमान में पशुपालन प्रदेश की लगभग 5,500 ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय की कोई इकाई क्रियाशील नहीं है। गत वर्ष हमने पशु चिकित्सा सुविधाओं में वंचित 600 ग्राम पंचायत में नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने की घोषणा की थी। अब प्रदेश की ऐसी 1,000 ग्राम पंचायत में पशु संख्या को ध्यान में रखते हुए नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने की मैं घोषणा करती हूँ। उन उपकेंद्रों के भवन निर्माण पर 80 करोड़ तथा इनके संचालन पर लगभग 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का व्यय होगा। प्रदेश में पशुपालकों को पशु बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के सभी जिलों में दूध देने वाले, भार ढोने वाले, अन्य चयनित पशुओं के लिए राजकीय अनुदानित भामाशाह पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के तहत
BPL अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को पशु बीमा की प्रीमियम राशि का 70% अनुदान एवं अन्य वर्ग के पशुपालकों को 50% अनुदान दे होगा। इस योजना को भामाशाह योजना के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। मैंने वर्ष 2015-16 में 1000 पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवनों में मरम्मत और पुताई का कार्य करवाने की घोषणा की थी। वर्ष 2016-17 में 1000 और चिकित्सा संस्थाओं में मरम्मत और पुताई के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग एवं बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय दौसा का भवन काफ़ी जर्जर अवस्था में है। वर्ष 2016-17 में 5,76,00,000 रुपए की लागत से नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। वर्तमान में पशु चिकित्सा में पीजी एवं पीएचडी में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 5,000 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह करने की कोशिश करती हूँ। इस पर 1,65,00,000 रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। कृषि एवं उद्यानिकी संबंध सेवाएं जैसे पशुपालन मत्स्य पालन डेयरी आदि क्षेत्र के लिए वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में 4,850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, जो वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमानों से 47.55% अधिक है। जल संसाधन और सिंचित क्षेत्र। सिंचाई के क्षेत्र में लंबे समय से चल रही परियोजनाओं को पूर्ण करने पर हमारा विशेष एम्फोसिस रहा है। गंग कनाल के आधुनिकीकरण का कार्य वर्ष 2016-17 में पूर्ण कर लिया जाएगा। 12 जिले में प्रगतिरत लासी परियोजना का कार्य जून 2016 में पूर्ण कर आगामी वर्ष में जल भराव किया जाएगा। साथ ही पिड़ावा तहसील झालावाड़ में निर्माणाधीन गागरीन सिंचाई परियोजना के बांध का कार्य पूर्ण कर इसमें भी जल भराव जून 16 में प्रारंभ कर दिया जाएगा। आकोदरा देवास द्वितीय का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। गंग नहर सिद्धमुख नोहर और अमर सिंह सब ब्रांच भाकड़ा नहर चंबल तथा बीसलपुर परियोजना में लगभग 73,000 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में खानों का निर्माण किया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निर्माण मरम्मत रखरखाव एवं संचालन आदि कार्य हेतु 377 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है तथा इस परियोजना में 6,000 से भी अधिक हेक्टेयर का नया सिंचित क्षेत्र खोला गया है। सिंचाई क्षेत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए आगामी वर्ष में जल संसाधन इंदिरा गांधी नहर एवं सीएडी विभाग के लिए वर्ष 2016-17 में 4,47,44,00,000 का प्रावधान किया जा रहा है, जो वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान से 27.81% अधिक है। साथ ही आगामी वर्षों में हम निम्न महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ करेंगे। राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के रिहैबिलिटेशन के कार्य वाटर यूजर्स एसोसिएशन की क्षमतावर्धन एवं सिंचित कृषि विविधता हेतु आगामी 8 वर्षों के लिए राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इस योजना के तहत 24 जिलों की 63 मध्यम एवं 370 लघु परियोजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा तथा 4,67,000 हेक्टेयर से भी अधिक सिंचित क्षेत्र को इससे लाभान्वित किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट पर लगभग 3,461 करोड़ रुपए का व्यय होगा। रवि ब्यास सतलेज और घग्गर नदियों के बाढ़ के रूप में बहने वाले अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए इंदिरा गांधी नहर प्रणाली का रीस्ट्रक्चरिंग कर राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया चलाया जाएगा। परियोजना अंतर्गत मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर फीडर का हरियाणा और राजस्थान में एवं इंदिरा गांधी मुख्य नहर एवं शाखाओं की रीलाइनिंग प्रस्तावित है। 3,264 करोड़ रुपए की इस परियोजना से गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू नागौर बीकानेर जोधपुर जैसलमेर और बाड़मेर जिले लाभान्वित होंगे। 1,81,618 हेक्टेयर CCA के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध हो सकेगा। 12 झालावाड़ कोटा जिले के किसानों का वर्षों पुराना परवन सिंचाई योजना का सपना अब सच होगा। इस योजना से झालावाड़ 12 एवं कोटा जिले के कुल 313 गांव की 1,31,000 हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी तथा इन जिलों के 820 गांव पेयजल से लाभान्वित होंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत 4,824 करोड़ रुपये है। इस योजना की क्रियान्विति हेतु बहुराष्ट्रीय और बाह्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्त पोषण की व्यवस्था की जाएगी। परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि की आवाप्ति की प्रक्रिया प्रगतिरत है। आगामी वर्ष में इस हेतु 700 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में चंबल सिंचित क्षेत्र कोटा के तहत सुल्तानपुर सब ब्रांच सिस्टम
अयाना ब्रांच नहर सिस्टम, लक्ष्मीपुरा खातोली, चरी, ईश्वरनगर, अरनेठा, चितावा, कुलिंदा, बालकासा डिस्ट्रीब्यूटरी एवं कापरेन नहर शाखा के रीवैम्पिंग के कार्य 213 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। माही बांध के बैकवाटर क्षेत्र से बांसवाड़ा तहसील के लोगों को 850 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु ड्रिप और फुहारा पद्धति से अंबापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रथम का कार्य आगामी 3 वर्ष में 60 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। भरतपुर जिले की डीग तहसील में डीग स्केप चैनल की चैन 72 से डीग कस्बे तक जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाए जाएंगे। झालावाड़, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, जयपुर, करौली, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिले में 11 एनीकट का निर्माण कार्य 25 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। झालावाड़ जिले की चौली सिंचाई परियोजना की नहरों के जीर्णोद्धार का कार्य 9 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा। पार्वती काली से नदियों के अधिशेष जल का उपयोग कर बारा कोटा बूंदी टोंक सवाईमाधोपुर दौसा करौली धौलपुर को पेयजल और सिंचाई सुविधा का लाभ दिलाने के लिए मैं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। साबरमती बेसन का अधिशेष जल जो कि राज्य के बाहर व्यर्थ बह जाता है का उपयोग कर राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के जवाई बांध में ले जाकर उस क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी। बांसवाड़ा जिले की तहसील कुशलगढ़, सज्जनगढ़, गांगड़ तलाई, बागीडोरा तथा बांसवाड़ा के 26,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई क्षमता का सृजन कराए जाने हेतु माही के सेडल डैम से सिंचाई प्रणाली विकसित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी। 12,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से की इन परियोजनाओं से आगामी 7-8 साल के राज्य में सिंचाई के परिदृश्य में अभूतपूर्व बदलाव आएगा। मैं यहां दोहराना चाहूंगी कि किसानों के हित का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में उपलब्ध जल संसाधन, वर्षा जल व नदियों के जल के आंकड़ों को राज्य स्तर पर एकत्रित करने और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों का आदान प्रदान करने व सभी नागरिकों को इंटरनेट के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में हाइड्रोलॉजिकल सूचना तंत्र विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की लागत 128 करोड़ आएगी तथा इसे आगामी 8 वर्ष में पूर्ण किया जाएगा। सहकारिता में वर्ष 2016-17 में किसानों को फसली ऋण देने के तहत सहकारी बैंक के माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्रीय सहकारी बैंक को अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नॉर्म्स की पूर्ति हेतु राज्य के 3 सहकारी बैंक चूरू, कोटा और टोंक को 6,91,00,000 रुपये राज्य सरकार की अंश पूंजी के रूप में तथा 36,98,00,000 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि इन बैंकों द्वारा निर्धारित कैपिटल रिस्क एसेट्स रेशियो संधारित की जा सकें। तीनों बैंक की CRAR एवं फसली ऋण योजना हेतु कुल 370 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही सहकारी बैंकों को कॉम्पेंसेटरी इंटरेस्ट अनुदान हेतु 150 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। वर्ष 2015-16 के बजट में मैंने राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान दिए जाने का उल्लेख किया था। अब मैं घोषणा करती हूँ कि केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा संचालित सहकारी किसान कल्याण योजना के तहत 2% ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी वर्ष में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। नवगठित 100 ग्राम सेवा सहकारी समिति और लैंप्स में 100 मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रति समिति 10 लाख रुपए की दर से 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। मानव संसाधन और सामाजिक विकास, पारिवारिक मुखिया जिस पर परिवार आर्थिक रूप से निर्भर रहता है कि अचानक मृत्यु होने पर आश्रित लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसे परिवारों को संबल प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लागू की गई है। मुझे बताते हुए यह खुशी है कि प्रदेश के 50 लाख से भी अधिक बैंक खातेदार इन योजनाओं में सम्मिलित हुए हैं। इन योजनाओं के साथ राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं नवीन प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, नवीन पशु बीमा योजना की क्रियान्विति से राज्य के विभिन्न वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तृत तंत्र विकसित होगा।
प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वच्छकार, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के मेस भत्ते को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी किए जाने की घोषणा करती हूँ। निजी सहभागिता योजना अंतर्गत स्वीकृत 41 छात्रावासों जिनकी स्वीकृत क्षमता 1975 है को वर्तमान में देय मेस भत्ता अनुदान की राशि को 4 गुना बढ़ाए जाने की घोषणा करती हूँ, जिस पर लगभग 3 करोड़ रुपए का व्यय होगा। वर्ष 2007-08 में मैंने विधवा पेंशन की पात्र महिलाओं को उनके पुनर्विवाह हेतु योजना लागू की थी। वर्तमान में इस योजना के तहत उपहार स्वरूप 15,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। अब मैं इस राशि को बढ़ाकर 30,000 रुपये किए जाने की घोषणा करती हूँ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा राजकीय भवनों में संचालित 19 आवासीय विद्यालयों जिनकी आवास क्षमता 1,500 है, मैं आवासरत विद्यार्थियों को शीतकाल में गर्म पानी की आवश्यकता को देखते हुए सोलर वाटर हीटर सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर कुल 1,50,00,000 रुपये का व्यय होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा दौसा में दो, शाहपुरा, जमवारामगढ़, जगतपुरा, जयपुर में, खंडार, सवाईमाधोपुर में एवं नोहर, हनुमानगढ़ में किराए के भवन में संचालित अनुसूचित जाति हेतु नवीन छात्रावास भवनों का निर्माण 15,75,00,000 रुपये की लागत से करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के छात्रावासों के वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन करने पर पाया गया कि 82 छात्रावास में कोई बाउंड्री वॉल नहीं, 41 में शौचालय नहीं, 27 में स्नान गृह नहीं और 17 छात्रावास ऐसे हैं जहां बाउंड्री वॉल को ऊंची करने की आवश्यकता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की पूर्ति में 7,98,00,000 रुपये की लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है। जैतासर धाम सिंधरी जिला बाड़मेर में पशुपालकों के बालक बालिकाओं हेतु 280 आवासीय क्षमता के आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ, जिसके निर्माण पर 12,91,00,000 रुपये का व्यय होगा। ग्राम पंचायत जयसिंदर स्टेशन जिला बाड़मेर में 280 बालक बालिकाओं के लिए एक एक आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है। इनमें से एक आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति के बालकों के लिए तथा एक आवासीय विद्यालय सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए संचालित किया जाएगा और मैं घोषणा करती हूँ कि इन विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2016-17 से किया जाएगा, जिस पर लगभग 4,44,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में आवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुप्रति योजना अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं IIT, IIM, लॉ, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान में प्रवेश लेने हेतु जयपुर और कोटा शहर की चयनित संस्थाओं में प्रत्येक श्रेणी के 100-100 विद्यार्थी कुल 1,000 विद्यार्थियों को कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। देवनारायण योजना के तहत वर्ष 2015-16 में एक आवासीय विद्यालय मकसूदनपुरा सवाईमाधोपुर तथा एक छात्रावास बेगू चित्तौड़गढ़ में स्वीकृत किया गया है। आगामी 3 वर्षों में 6 नवीन आवासीय विद्यालय तथा 5 छात्रावास और स्वीकृत किए जाएंगे। विशेष योग्यजनों की आवश्यकताओं के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है और इस हेतु निम्न प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली ऋण अनुदान राशि हेतु 6 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया जाना प्रस्तावित है। विशेष योग्यजनों की सुविधार्थ राजकीय भवनों में रैंप्स और लिफ्ट निर्माण के लिए 4,13,00,000 रुपये। विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में 99 अधिकृत संस्था द्वारा संचालित विशेष विद्यालय हेतु अनुदान के लिए 6,67,00,000 रुपये। सभी सिनेमाघर, सिनेमा थिएटर्स एवं सिने मल्टीप्लेक्स में कुल सीटों का कम से कम 3% स्थान विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित करने के प्रावधान किए जाएंगे। अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि के लिए संचालित पालनहार योजना के तहत 1,50,000 से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिए आगामी वर्ष में 171 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है और इस योजना को भी भामाशाह योजना से जोड़ा जाएगा।
कामकाजी महिलाओं के लिए राजकीय छात्रावासों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराए जाने की मैं घोषणा करती हूं। इन संस्थानों का निविदा द्वारा चयन होने पर राज्य सरकार ऐसे छात्रावास भवनों की मरम्मत के लिए एक बारीय सहायता उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में 20 जिलों में किशोर एवं संप्रेषण गृहों के भवन निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2016-17 में सवाईमाधोपुर, पाली और टोंक में नवीन किशोर एवं संप्रेषण गृहों का निर्माण करवाया जाएगा। इस हेतु आगामी वर्ष में 5,07,00,000 रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। महिला और बाल विकास राजकीय भवनों में संचालित अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र के रखरखाव और शुद्धिकरण का कार्य आगामी 3 वर्ष में 75 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 400 रुपए प्रतिमाह, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300 रुपए प्रतिमाह, आंगनबाड़ी सहायिका, साथिन और आशा सहयोगिनियों का मानदेय 250 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की मैं घोषणा करती हूँ। और बढ़ा हुआ मानदेय जून 2016 से देय होगा। इससे लगभग 1,50,000 से भी अधिक मानदेय कर्मी लाभान्वित होंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वर्क परफॉर्मेंस आधारित प्रोत्साहन हेतु पृथक से योजना बनाई जाएगी। राज्य में बालिका संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित और पुरस्कृत करने हेतु गरिमा बालिका संरक्षण और सम्मान योजना प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित व्यक्ति को 25,000 रुपये की नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के तहत, और ये फर्क है, 1 जून 2016 उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका के जन्म पर एवं उसकी प्रथम वर्षगांठ पर क्रमशः 2,500 रुपये एवं 2,500 रुपये एवं राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये दिए जाएंगे। योजनांतर्गत लाभान्वित होने वाली बालिकाओं द्वारा निरंतर पठन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एवं बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर पर सुधार के लिए राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 और कक्षा 10 में प्रवेश करने पर क्रमशः 5,000 रुपये और 11,000 रुपये दिए जाएंगे। योजना के तहत राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना को भामाशाह योजना से जोड़ा जाएगा। योजना के दिशा निर्देश पृथक से प्रसारित किए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल के लिए क्रेश की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस हेतु विभिन्न जिलों में उपलब्ध रिक्त सरकारी भवनों का उपयोग करते हुए स्वयंसेवी संगठन और निजी जन सहभागिता के माध्यम से शिशु पालना गृह संचालन हेतु पृथक से कार्य योजना बनाई जाएगी। प्रदेश में चलाई जा रही सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत वर्तमान में हर विवाह पर वधू को 10,000 रुपये और आयोजन करने वाले संस्था को 2,500 रुपये देय है। इस राशि को बढ़ाकर क्रमशः 15,000 और 3,000 रुपये किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। जनजाति विकास। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 30 आश्रम छात्रावासों का 21 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। इस विस्तार से प्रतापगढ़ के 6, उदयपुर के 8, बांसवाड़ा के 7, डूंगरपुर के 9 छात्रावासों में कुल 750 सीटों की वृद्धि होगी। उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में एक एक राजकीय मॉडल आवासीय विद्यालय की क्षमता 210 से बढ़कर 350 की जाएगी। इस हेतु इन विद्यालयों में 10,50,00,000 रुपए की लागत से अतिरिक्त निर्माण करवाया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 1,439 माँ बाड़ी केंद्रों में 6 से 12 वर्ष तक के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ पौष्टिक आहार एवं स्वच्छता की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इन केंद्रों की सफलता को देखते हुए उनके उन्नयन हेतु निम्न कदम उठाए जाएंगे। वर्ष 2016-17 में 100 नवीन माँ बाड़ी केंद्र 3,14,00,000 रुपए की लागत से खोले जाएंगे। वर्तमान में शहरिया क्षेत्र में संचालित 179 तथा उपयोजना क्षेत्र में संचालित 329 माँ बाड़ी केंद्र में किचन शेड्स नहीं बने हैं। वर्ष 2016-17 में इन केंद्रों पर किचन शेड्स का निर्माण 3,05,00,000 रुपए की लागत से करवाया जाएगा।
राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु बांसवाड़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्नातक महाविद्यालय कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा में एक एक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में दो छात्रावास भवन बने हुए हैं, परंतु उनका उचित उपयोग नहीं हो रहा है। इन छात्रावासों का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आगामी वर्ष से कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 1,20,00,000 रुपये का व्यय होगा। जनजाति उपयोजना क्षेत्र की डेयरी सोसाइटीज़ के दूध में फैट की सही गणना करते हुए उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इस हेतु 200 ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्शन यूनिट उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिस पर 2,38,00,000 रुपये का व्यय प्रस्तावित है। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आगामी एक वर्ष में उद्योग, कृषि, पशुपालन और उद्यानिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े कौशल और आजीविका प्रशिक्षण हेतु 20 नए कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करे जाएंगे। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के 62 छात्रावास ऐसे हैं जहां मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता नहीं है, अतः इन छात्रावासों हेतु अप्रोच रोड बनाने के लिए 5,00,000,000 रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। उदयपुर संभाग के जिलों में कई प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थान हैं। इन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से ट्राइबल टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यक बाहुल्य चयनित ब्लॉक्स में 53,79,00,000 रुपए की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के निम्न कार्य करवाए जाएंगे। 95 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 34 लाइब्रेरी रूम्स, 40 साइंस लैब्स, 10 कंप्यूटर रूम्स का निर्माण प्राथमिक, माध्यमिक और तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कराया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ अलवर में भवन का विस्तार किया जाएगा। फतेहपुर कला भरतपुर और सम जैसलमेर में 2 बालक छात्रावास तथा सहजपुर और बम्बोरा अलवर, फतेहपुर कला भरतपुर और तथा यूनानी और सम जैसलमेर तथा यूनानी मेडिकल कॉलेज टोंक में 5 बालिका छात्रावासों का निर्माण है। मकराना, नागौर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, सम जैसलमेर में तकनीकी शिक्षा हेतु ITI भवन का निर्माण। मदरसों में शिक्षा सहयोगियों को मानदेय, शिक्षा सामग्री तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि के लिए 67,30,00,000 रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित। डिजिटल राजस्थान के सपने को आगे बढ़ाते हुए निम्न कदम उठाए जाएंगे। अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स एवं कस्बों में कुल 10,400 विद्यार्थियों को साइबर ग्राम योजना अंतर्गत डिजिटल साक्षर करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मदरसा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों को ई शिक्षा प्रदान करने के लिए मदरसा शिक्षा सहयोगियों को राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेल और युवा मामले में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खिलाड़ियों के ठहरने की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण बहुमंजिली आधुनिक खेल भवन का निर्माण 10,00,000,000 रुपए की लागत से करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूं और इस खेल भवन के निर्माण से लगभग 500 खिलाड़ियों के ठहरने की उच्च स्तरीय व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय वार्षिक खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। राज्य स्तरीय खेलों में प्रदेश के सभी जिलों की भागीदारी होगी। यह प्रतियोगिता 14 खेलों के लिए जयपुर में आयोजित की जाएगी। इस हेतु 3,34,00,000 रुपए का व्यय किया जाएगा। राज्य स्तरीय खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के श्रेष्ठ खिलाड़ियों का खेल प्रतिभा खोज योजना के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण कर 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। साथ ही इन खिलाड़ियों को एक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी और इस हेतु 3,00,00,000 रुपये का व्यय किया जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को चयनित विभागों तथा यथा गृह, खेल, शिक्षा, पर्यटन आदि में उपयुक्त स्तर पर आउट ऑफ टर्न सीधे आवेदन के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में नीति लाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। पंचायत समिति बापिनी, जिला जोधपुर, खीमसर जिला नागौर, सुनेल जिला झालावाड़, ग्राम भाकरवासा जिला पाली एवं सीसवाली जिला बारा में इंडोर हॉल का निर्माण करवाया जाएगा। इस हेतु आगामी वर्ष पे 4,00,00,000 रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न स्टेडियम्स को निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु आगामी वर्ष में 17,41,00,000 रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
राज्य में उत्तरीय खेल सुविधा विकसित करने के लिए निजी जन सहभागिता के आधार पर खेल अकेडमीज की स्थापना हेतु योजना बनाई जाएगी। गत दो वर्षों में राज्य में 1,60,000 से अधिक बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए शिक्षा, गृह, महिला एवं बाल अधिकारिता विभागों के साथ समन्वय कर पूरे राज्य में आगामी 3 वर्ष में प्रतिवर्ष कक्षा 6 से 12 तक की 1,50,000 बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना चलाई जाएगी। कबड्डी और हॉकी खेलों में राज्य स्तर की टीम को बेहतर कोचिंग और सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु मैं घोषणा करती हूं कि इन खेलों में से एक एक राज्य स्तरीय टीम को रिको और RSMM लिमिटेड द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा। शिक्षा, राज्य में राजकीय स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा आदर्श विद्यालय, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल्स, शारदे छात्रावास, शाला दर्पण, लैपटॉप वितरण, साइकिल वितरण, ट्रांसपोर्ट वाउचर जैसी विभिन्न योजना संचालित की जा रही हैं। विद्यालयों के एकीकरण के कारण राज्य में शिक्षकों की अनुपस्थिति में भारी कमी आई है। इस क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है, अतः इस वर्ष स्कूली शिक्षा के लिए मैं 23,177,15,00,000 रुपए का प्रावधान कर रही हूं, जो कि वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान से 14.47% अधिक है। वर्ष 2015-16 में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 61 ब्लॉक्स में नए स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल्स का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। इन मॉडल स्कूल्स का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक वैकल्पिक भवन की व्यवस्था कर सत्र 2016-17 में कक्षा 6 से 8 का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। राज्य में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक्स में से 143 ब्लॉक्स में शारदे बालिका छात्रावासों का निर्माण पूर्ण कर संचालन किया जा रहा है एवं मार्च 2016 तक 6 और छात्रावासों का निर्माण पूर्ण किया जाएगा। शेष निर्माणाधीन 37 शारदे बालिका छात्रावासों का निर्माण पूर्ण करवाकर वर्ष 2016-17 में समस्त 186 ब्लॉक्स में शारदे बालिका छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे। शारदे बालिका छात्रावासों में छात्राओं की क्षमता प्रति छात्रावास 100 का मानक निर्धारित है, परंतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के समस्त छात्रावासों में यह क्षमता विकसित नहीं हो सकी, अतः 47,88,00,000 रुपए की राशि का व्यय कर इन छात्रावासों को निर्धारित क्षमता के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। वर्तमान में 290 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। इन विद्यालयों की सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष में 380 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। आगामी वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा हेतु 58,65,00,000 रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य में 777 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आगामी वर्ष में वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु चलाए जा रहे माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न कार्यों के लिए 1,750 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य में 445 विद्यालयों में 180,13,00,000 रुपये की लागत से 1,667 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, समेकित विज्ञान प्रयोगशाला, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, पेयजल सुविधा एवं शौचालय आदि का निर्माण कराया जाएगा। राज्य में 108 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन जर्जर अवस्था में हैं। प्रथम चरण में आगामी वर्ष में ऐसे 60 भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। इस हेतु 50,00,000 रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में कुल 13,401 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 12,773 में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं। मैं घोषणा करती हूं कि शेष 628 विद्यालयों में 13,00,000 रुपए की लागत से विद्युत कनेक्शन और फिटिंग का कार्य आगामी वर्ष में कराया जाएगा। उनके मासिक विद्युत बिल का भुगतान विद्यालय के फंड से किया जाएगा। वर्ष 2016-17 में 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की मेरिट के आधार पर चयनित मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण करने हेतु 60,00,000 रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को साइकिल वितरण योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस वर्ष इस योजना के तहत 2,77,000 बालिकाओं को साइकिल वितरण की गई। इस योजना के लिए वर्ष 2016-17 में 85,00,000 रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में वांछित संकाय
अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के राजकीय विद्यालय में अध्ययन हेतु जाने पर बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में आधारभूत संरचना के निर्माण और विकास हेतु मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना लागू की जाएगी, जिसमें 40% राशि जन सहयोग से प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा 60% राशि उपलब्ध करवाई जाएगी और आगामी वर्ष इस हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय प्रारंभ करने की मांगों का अध्ययन करने पर पाया कि कक्षा 10 में 100 से अधिक नामांकन वाले ऐसे 152 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें केवल कला संकाय ही है। तो मैं घोषणा करती हूँ कि आगामी वर्ष से बांसवाड़ा में 42, डूंगरपुर में 23, जयपुर में 13, उदयपुर में 11, दौसा में 10, झालावाड़ में 6, धौलपुर में 5, बाड़मेर, बूंदी, पाली में 4-4, अलवर, जोधपुर में 3-3, सीकर, भीलवाड़ा, कोटा, सिरोही, टोंक, बीकानेर, जालौर में 2-2, झुंझुनू, करौली, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, बारा में 1-1 ऐसे विद्यालयों में विज्ञान या कृषि या वाणिज्य संकाय प्रारंभ की जाएंगी। वर्ष 2016-17 से कक्षा 5 के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन हेतु जिला स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधा हेतु संचालित राजकीय मूक बधिर उच्च प्राथमिक विद्यालय लोधा बांसवाड़ा तथा राजकीय मूक बधिर उच्च प्राथमिक विद्यालय बीकानेर तथा राजकीय उच्च प्राथमिक अंध विद्यालय बीकानेर को आगामी वर्ष में माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। संस्कृत भाषा के पठन पाठन पाठ्यक्रम और अनुसंधान हेतु राजकीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय महापुरा जयपुर को राज्य स्तरीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा, वर्ष 2015-16 के बजट में स्टेट हायर एजुकेशन डेवलपमेंट प्लान तैयार कर 8 वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चरणबद्ध रूप से विकास किए जाने की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत आगामी वर्ष में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में 173 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट आदि हेतु दिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही महाविद्यालयों के भवनों के नवीन निर्माण के लिए 104 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। स्थानीय लोगों की मांग एवं क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए मैं घोषणा करती हूँ कि खाजूवाला बीकानेर, करणपुर श्री गंगानगर, छबड़ा बारा, रावतभाटा चित्तौड़गढ़, राजाखेड़ा धौलपुर और पिड़ावा झालावाड़, खीमसर नागौर और छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में नवीन राजकीय कोएड महाविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। स्थानीय छात्र छात्राओं की अपेक्षा के अनुरूप मैं घोषणा करती हूँ कि स्नातक स्तर पर राजकीय महिला महाविद्यालय बालोतरा बाड़मेर एवं राजकीय महाविद्यालय राजसमंद में भूगोल, राजकीय महिला महाविद्यालय पिपार सिटी जोधपुर, सवाईमाधोपुर और नीम का थाना में गृह विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर और राजकीय महिला महाविद्यालय खंडेला में भूगर्भ शास्त्र, MLB राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा और बिलाड़ा जोधपुर में संस्कृत, कपासन चित्तौड़गढ़ में वाणिज्य, चूरू में लोक प्रशासन, चिमनपुरा जयपुर में अर्थशास्त्र, सीकर में फिजिक्स विषय प्रारंभ किए जाएंगे। स्नातकोत्तर स्तर पर राजकीय महिला महाविद्यालय पाली दौसा में अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, अजमेर में चित्रकला, रतनगढ़ चूरू में सादुलशहर, गंगानगर में गृह विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय निम्बाहेड़ा में इतिहास, दौसा में समाजशास्त्र, कालाडेरा जयपुर झुंझुनू में राजनीति विज्ञान, गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर में अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स एंड आबू रोड सिरोही में अंग्रेजी साहित्य विषय प्रारंभ किए जाएंगे। अजमेर में सफलतापूर्वक चलाए जा रहे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट सेंटर की तर्ज पर कोटा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में भी ऐसे सेंटर चलाए जाने प्रस्तावित है। प्रदेश में पायलट बेसिस पर सीकर, झालावाड़, जयपुर, बारा और धौलपुर के महाविद्यालय में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ और आगामी वर्ष में इस हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। चिकित्सा और स्वास्थ्य,
प्रदेश के हर नागरिक को उचित दर पर बेहतर आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक 17,000 से भी अधिक स्वास्थ्य संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। आगामी वर्ष में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए 8,742 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया जा रहा है। परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर हर परिवार चाहता है कि उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाया जाए, परंतु अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती होने पर पड़ने वाले भारी वित्तीय भार को सहन करना हर परिवार की क्षमता में नहीं है। मात्र दवा का खर्च तो वहन कर लें, परंतु उपचार के लिए अधिकतर निर्धन परिवारों को कर्ज लेना पड़ता है, जिससे वे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। हमारी सरकार ने जेनेरिक दवाइयों से आगे बढ़ते हुए प्रदेश के लगभग 67% परिवारों के लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना दिसंबर 2015 में लागू किया है। इस योजना के तहत विभिन्न बीमारियों के लिए 1,715 पैकेज अनुमत किए गए हैं तथा इससे 432 राजकीय चिकित्सालय और 423 निजी चिकित्सालयों को जोड़ा गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इतने अल्प समय में 43,000 से अधिक परिवारों ने इसका लाभ उठाया है। राज्य में आमजन की मांग और स्वास्थ्य सेवा में सुधार एवं विस्तार से के दृष्टिगत निम्नलिखित स्वास्थ्य केंद्र क्रमोत किए जाएंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र खंडेला एवं राजपुरा जिला 12 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ जिला 12, पारोली जिला भीलवाड़ा, पूगल जिला बीकानेर, खटकड़ जिला बूंदी, श्री महावीर जी जिला करौली, भगवतगढ़ जिला सवाईमाधोपुर, खेजरोली जिला जयपुर और आहू जिला जोधपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महुआ जिला दौसा को 30 से 50 शैयों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसींद जिला भीलवाड़ा, राजकीय चिकित्सालय सादड़ी जिला पाली और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवली जिला टोंक को 50 से 75 शैयों में और बयाना चिकित्सालय भरतपुर को 75 से 100 शैयों में, राजकीय सामान्य चिकित्सालय हिंडोन जिला करौली को 100 से 125 शैया में, करौली चिकित्सालय को 200 से 225 शैया में, राजकीय बीडीएम चिकित्सालय कोटपुतली जिला जयपुर को 200 से 250 शैया में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाकसू जिला जयपुर को सैटेलाइट चिकित्सालय में, साथ ही दंतोर जिला बीकानेर, नादनपुर जिला धौलपुर, चेलक सुल्ताना एवं भैंसरा जिला जैसलमेर में एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। चिकित्सा सेवा के सुदृढ़ीकरण के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1,716 करोड़ 12 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के चिकित्सा संस्थानों में 5 करोड़ रुपए की लागत से 100 नई डेंटल चेयर यूनिट स्थापित की जाएंगी। वर्ष 2014-15 व 2015-16 में किए गए स्वास्थ्य परीक्षण में पाए गए बीमार बच्चों में से 20% बच्चे दंत रोग से पीड़ित हैं। उनके उपचार हेतु संभागीय मुख्यालय पर एक एक मोबाइल डेंटल वैन उपलब्ध करवाई जाएगी। चिकित्सा संस्थानों से में नए बेड्स, व्हील चेयर्स, पेशेंट्स ट्रॉली, गद्दे उपलब्ध कराने हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही चित्तौड़गढ़ पाली नागौर अस्पताल को कलर डॉपलर मशीन्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य में विभिन्न उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय एवं अस्पताल के नवनिर्माण हेतु 31 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। गत वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति के क्रम में हमने वर्ष 2015 में आरोग्य राजस्थान के तहत ग्रामीण क्षेत्र के 1,05,00,000 परिवारों का हेल्थ सर्वे पूर्ण किया, जिसकी ऑनलाइन एंट्री मार्च 2016 तक पूर्ण कर ई हेल्थ कार्ड की व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ ही इस ई हेल्थ कार्ड के आधार पर विशेष योग्य जन के लिए ट्राइसिकल्स, हियरिंग एड्स के वितरण एवं पोलियो सुधार सर्जरी का विशेष अभियान चलाया जाएगा। ई हेल्थ कार्ड को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जाएगा। कुपोषण की रोकथाम के लिए हमने समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह कार्यक्रम आगामी वर्षों में भी जारी रखा जाएगा। प्रदेश के एलोपैथी चिकित्सा के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों एवं राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों तथा चिकित्सा विशेषज्ञों के बड़े संख्या में पद रिक्त हैं। एलोपैथी चिकित्सा की इन रिक्तियों को भरने के लिए हमारे द्वारा किए गए प्रयासों को जारी रखते हुए सुचारू चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराए हेतु इनकी सेवानिवृत्ति आयु अप्रैल 2016 से 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ। नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रदेश में संचालित 16 न्यू बॉर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट्स के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार कर इनको स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट्स में क्रमोन्नत करने के लिए 5 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच हेतु वर्तमान में 6 जिलों में ही खाद्य प्रयोगशाला स्थापित हैं। आगामी वर्ष में बीकानेर, चूरू, जालौर, बांसवाड़ा, भरतपुर में 5 नवीन खाद्य प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी और प्रयोगशाला निर्माण उपकरण एवं मानव संसाधन पर लगभग 27 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों में पिछले कुछ वर्षों में विस्तार हुआ है। वर्तमान स्वास्थ्य भवन में पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण स्वास्थ्य भवन परिसर में नवीन बहुमंजिला स्वास्थ्य भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। आयुर्वेद में वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में चिकित्सालय स्तर पर 30 आंचल प्रसूता केंद्र, 24 पंचकर्म केंद्र, 22 जरावस्था केंद्र स्थापित हैं। 2016-17 में शेष रहे 3 जिलों में आंचल प्रसूता केंद्र, 9 जिलों में पंचकर्म केंद्र और 11 जिलों में जरावस्था केंद्र खोले जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही 6 नए योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों के निर्माण हेतु 1,80,00,000 रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में आयुर्वेद पद्धति को बढ़ाए जाने के लिए हमारी सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए चयनित आयुर्वेद की पंचकर्म के तहत कराए गए उपचार की राशि का पुनर्भरण अनुमत किया गया है। वर्तमान में राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS की 1,400 सीटें उपलब्ध हैं। मैंने वर्ष 2014-15 के बजट में 7 चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी, जिसमें 700 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। राज्य में चिकित्सालयों की कमी को देखते हुए आगामी वर्षों में चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर, उदयपुर, कोटा में 100-100, झालावाड़ में 50, अटकुल 350 MBBS सीट की वृद्धि किए जाने की घोषणा करती हूं, जिस पर लगभग 420 करोड़ रुपए का व्यय होगा। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में उपचार हेतु आने वाले रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। समय की मांग है कि इन महाविद्यालयों एवं उनके संबंधित चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाओं का अपग्रेडेशन किया जाए। अतः मैं चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंधित चिकित्सालयों में निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। SMS चिकित्सालय जयपुर में 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक नवीन कैथ लैब और BS लैब 3 का निर्माण तथा स्वाइन फ्लू लैब का अपग्रेडेशन। चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर के संबंध चिकित्सालयों में 4 करोड़ रुपए की लागत से 4 ऑपरेशन थिएटर का मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में परिवर्तित करना। रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर में 4 करोड़ रुपए की लागत से नई कोबाल्ट मशीन स्थापित की जाएगी। साथ ही 14 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सीनियर रेजिडेंट हॉस्टल के नवीन भवन का निर्माण। चिकित्सा महाविद्यालय जोधपुर में निजी जन सहभागिता के तहत लीनियर एक्सेलरेटर एवं गैमा कैमरों की स्थापना। जोधपुर में संक्रमक संस्था को उपकरण उपलब्ध कराने एवं संचालन हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। चिकित्सा महाविद्यालय कोटा में 2 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से डिजिटल मैमोग्राफी मशीन। चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में 3 करोड़ रुपए की लागत से 30 नवीन आवासीय स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण। चिकित्सा महाविद्यालय झालावाड़ में 38 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से PG हॉस्टल, 24 अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण और 3 ऑपरेशन थिएटर का मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में परिवर्तन एवं राजेंद्र सार्वजनिक चिकित्सालय झालावाड़ में इमरजेंसी वार्ड का निर्माण करवाया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में मैंने पहले बजट भाषण में राष्ट्रीय खाद्य योजना में पात्र लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार पूरा खाद्यान्न दिलवाने की घोषणा की थी। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने अपना वायदा पूरा किया। अब इस योजना से अपात्र लोगों के नाम हटाकर सभी लाभार्थियों को योजना अनुसार पूरा लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के अंतर्गत निजी जन सहभागिता के माध्यम से PDS शॉप्स पर उच्च गुणवत्ता युक्त मल्टी ब्रांड उपभोक्ता वस्तुएं उचित सस्ती दर पर उपलब्ध कराने हेतु अन्नपूर्णा भंडार योजना प्रारंभ की गई थी। अब तक प्रदेश में 350 से अधिक अन्नपूर्णा भंडार खोले जा चुके हैं। आगामी वर्ष राज्य के सभी जिलों में 5,000 ऐसे भंडार खोले जाएंगे। कौशल श्रम एवं ITI, हमारी सरकार ने अब तक RSLDC के माध्यम से 1,11,000 से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया है। साथ ही ITI, पॉलिटेक्निक, राजकीय तकनीकी महाविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के माध्यम से लगभग 40,000 युवाओं के कैंपस प्लेसमेंट किए गए। 26 माह में 4,74,000
415 नवीन ईपीएफ अकाउंट सृजित हुए हैं, जबकि गत सरकार के प्रथम दो वर्षों में यह आंकड़ा मात्र 218,718 था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश में रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि हुई है। गत वर्षों में आईटीआईज के सुदृढ़ीकरण के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर 1,25,000 से अधिक सीटों की बढ़ोतरी हुई है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं निम्न घोषणा करती हूं कि राज्य में आईटीआई के उच्चीकरण हेतु 105 आईटीआईज को पूर्व में ब्याज मुक्त ऋण दिया गया था। शेष रही 29 आईटीआईज को भी 58 करोड़ रुपये आगामी 3 वर्षों में उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करती हूँ। इन आईटीआईज में निजी जन सहभागिता के आधार पर संस्थान प्रबंधन समिति का गठन कर विकास करवाया जाएगा। नवीन आईटीआई भवनों के निर्माण कार्य हेतु 155 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राजकीय आईटीआई नीमराना में 6 नए ट्रेड प्रारंभ किए जाएंगे, जिस पर 9 करोड़ 80 लाख रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। कृषि बागवानी पशुपालन में रोजगार के अवसर की संभावनाओं के मद्देनज़र 14 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से प्रदेश के हर जिले में नॉलेज इंटीग्रेटेड स्किल मॉड्यूल्स फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेनिंग किस्मत लागू की जाएगी। परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार टूल्स एंड इक्विपमेंट उपलब्ध कराने हेतु गत वर्ष 71 राजकीय आईटीआई के लिए हमने प्रावधान किया था। इस हेतु वर्ष 2016-17 में शेष 63 राजकीय आईटीआई के लिए 31 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। कोटा में संभागीय कार्यालय भवन का 90 लाख रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाएगा। महिला आईटीआई भीलवाड़ा का भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण इसके नवीनीकरण का कार्य 2 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। आईटीआई जयपुर के वर्कशॉप एवं क्लासरूम का संवर्धन किया जाएगा। बंदियों के प्रशिक्षण हेतु जेल परिसर बीकानेर में जेल आईटीआई भवन का निर्माण 2 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। साथ ही केंद्रीय कारागार जयपुर में संचालित जेल आईटीआई में एक वर्कशॉप एवं कक्षा कक्ष का निर्माण करवाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर के कार्यालय भवन का कंप्लीट रेनोवेशन कार्य 2 करोड़ 2 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा। प्रदेश में चलाई जा रही कौशल विकास परियोजना में हमने नवाचार के साथ के नए आयाम कायम किए। विभिन्न योजनाओं का RSLDC में प्रभावी कन्वर्जेंस कर 279 नए कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। हमारे मॉडल को न केवल भारत सरकार ने सराहा है, बल्कि 15 राज्यों के अधिकारी राजस्थान आकर इसका अध्ययन कर चुके हैं। हमने इस वर्ष विशेष योग्यजन जेल के कैदियों, किशोर गृह एवं बालिका गृह के युवक युवतियों के लिए भी विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इन नवाचारों के कारण आज 1,010 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तथा मिशन स्किल राजस्थान देश के सबसे बड़े कौशल विकास कार्यक्रमों में अब शामिल है। इसलिए आप सब सहमत होंगे कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। राजस्थान में युवाओं को गुणात्मक कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से कौशल ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना लाई जाएगी। इस योजना के तहत चयनित संस्थाओं में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं द्वारा कौशल ऋण लेने पर बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को 6% तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण बेहतर डिज़ाइन तथा मार्केटिंग की सुविधा समन्वित रूप से उपलब्ध कराकर आईटीआई के माध्यम से आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स को व्यवस्थित रूप से मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक विशेष नवाचार के तहत सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिएटिव मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना राजकीय आईटीआई जयपुर में की जाएगी। रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान हमने L&T, ऊबर, एशियन पेंट्स जैसे 11 बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध किए हैं। इन कंपनियों द्वारा अगले 5 वर्ष में 80,000 से अधिक युवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले 86,000 परिवारों के युवाओं को 354 करोड़ रुपए की लागत से कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की लाइवलीहुड इन फुल एम्प्लॉयमेंट लाइफ योजना स्वीकृत की है। इस योजना के तहत यह देश की सबसे बड़ी स्वीकृत परियोजना है।
प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को अप्रेंटिसशिप योजना के साथ से लाभान्वित करने के लिए प्रायोगिक तौर पर एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को डेडिकेटेड अप्रेंटिसशिप एक्सचेंज के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही बेरोजगारों के ऑनलाइन पंजीयन तथा योजनाओं के ऑनलाइन कार्य हेतु रोजगार कार्यालयों का कंप्यूटराइजेशन करवाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने के लिए हमने गत 2 वर्षों में ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर 2,45,000 युवाओं का चयन किया है। आगामी वर्ष भी प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में युवाओं के चयन हेतु विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। माह दिसंबर 2015 में हमने सभी जिला मुख्यालयों पर विशेष कौशल नियोजन एवं उद्यमिता शिविरों का आयोजन किया था, जिनसे लगभग 74,000 युवा लाभान्वित हुए। इसकी सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष से सभी जिलों में प्रति माह ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सेवा एवं निर्माण उद्योग में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से प्रदेश के युवाओं को लाभान्वित करने के लिए हमने उद्योगों के साथ मिलकर ITIs में सेंटर ऑफ एक्सलेंस विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया है। झालावाड़ में कैटरपिलर, बाड़मेर में कैन के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। हम एक नई सेंटर ऑफ एक्सलेंस योजना बनाकर राजकीय ITIs में 10 और सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस स्थापित करेंगे। प्रदेश में अनऑर्गेनाइज श्रमिक कुल श्रमिक वर्ग के 90% से भी अधिक हैं। इस वर्ग के अधिकारी को प्रभावी तरीके से लागू कर इनमें जागरूकता प्रदान करने के लिए राज्य के हर जिले में 8,25,00,000 रुपए की लागत से आगामी 2 वर्षों में फैसिलिटेशन इन्फॉर्मेशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। स्थानीय स्वशासन और शहरी विकास प्रदेश की आर्थिक प्रगति के साथ वहाँ के शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। राज्य में वर्तमान में लगभग 25% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग के लिए वर्ष 2016-17 में 6,642,24,00,000 रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जो वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान से 33.57% अधिक है। भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में घोषित देश के 20 शहरों में जयपुर और उदयपुर को स्मार्ट सिटीज़ के लिए चयनित किया गया है। जयपुर एवं उदयपुर शहरों को स्मार्ट सिटीज़ के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी और आगामी वर्ष में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के 37 शहर जोबनेर, चौमू, सांबर, फुलेरा जिला जयपुर, बांदीकुई जिला दौसा, डीग, कामा जिला भरतपुर, खेतड़ी, मंडावा, नवलगढ़ जिला झुंझुनू, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, सरदार शहर, रतनगढ़ जिला चूरू, आबू रोड जिला सिरोही, बाड़ी जिला धौलपुर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़, बालोतरा जिला पाली, फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, कुचामन, लाडनू, मकराना, डीडवाना जिला नागौर, डूंगरगढ़, नोखा जिला बीकानेर, राजगढ़ जिला अलवर, सूरतगढ़ जिला गंगानगर एवं सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, करौली, राजसमंद, दौसा में जल वितरण, सीवरेज, ड्रेनेज आदि आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के चतुर्थ चरण में शामिल किए गए हैं। इस योजना का क्रियान्वयन 4,200 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। बांसवाड़ा, फतेहपुर, शेखावटी, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना, मकराना शहरों के लिए संचालित सीवरेज परियोजना को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2016-17 में 73 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष जयपुर के चयनित पर्यटन स्थल, मेट्रो स्टेशन, अस्पताल में वाईफाई हॉटस्पॉट्स की सुविधा, वीडियो सर्वेलेंस एवं सूचना कियोस्कों को स्थापित करने की पहल की गई है। अगले चरण में शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, चुनिंदा व्यस्त बाजारों एवं स्थानों पर वीडियो सर्वेलेंस तथा प्रमुख शैक्षणिक संस्था एवं BRTS कॉरिडोर में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जयपुर शहर में यातायात के दबाव एवं पार्किंग की समस्या के निराकरण हेतु बस्सी तुंगा रोड पर LC 200 पर नवीन आरओबी का निर्माण, झोटवाड़ा आरओबी की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य, भवानी सिंह रोड से सोडाला तक नई एलिवेटेड रोड, प्रधान मार्ग मालवीय नगर तक गणेश मंदिर,
तथा गणेश मंदिर खिरनी फाटक के पास पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस का निर्माण, टोंक रोड पर बम्बाला पुलिया, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर जैनपैट के पास स्थित पुलिया एवं दिल्ली रोड पर गलता और ईदगाह के बीच दो पुलियों की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य एवं जगतपुरा आरओबी के गोने रोड तक 8 लेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही गोविंदपुरा, रोपाड़ा तथा मोटू का बास में मैरिज गार्डन रिजॉर्ट्स हब की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज। गत वर्ष पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन किया गया था। सरकार की मंशा है कि इन संस्थानों को वित्तीय संसाधनों से और सशक्त किया जाए, अतः आगामी वर्ष में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए 15,378.98 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान के तहत 4 वर्ष में 21,000 गाँव में जल संरक्षण का कार्य करवाया जाकर पेयजल का स्थायी समाधान किया जाएगा। जनवरी 2016 तक इस अभियान के तहत 3,318 गाँव में कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। आगामी वर्ष में इस अभियान हेतु 440 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित। पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए एवं पंचायतों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की संपूर्ण जानकारी आमजन को सहजता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान ई पंचायत व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे संपूर्ण सूचनाएं पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध हो सकेंगी। नवगठित 47 पंचायत समिति को वाहन, कंप्यूटर आदि उपलब्ध कराने के लिए 4,90,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। आज जब पंचायती राज संस्थाओं को पहले से कहीं अधिक धनराशि विकास कार्यों के लिए मिल रही है, तो हमें इस राशि का उपयोग गाँवों अथवा पंचायतों के समग्र और सुनियोजित विकास के लिए करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न योजना तथा राज्य वित्त आयोग, क्षेत्रीय विकास योजना, महात्मा गांधी नरेगा, MLA LAD, MP LAD, जल ग्रहण विकास, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना आदि से प्राप्त राशि का समग्र मूल्यांकन हो और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पंचायत अपनी वार्षिक योजना ऐसे बनाए जिससे विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली राशि का कन्वर्जेंस कर गांव के समग्र विकास संभव हो सके। इसी परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए मैंने निम्न नवीन योजनाएं प्रारंभ करने की घोषणा की है। गांव को स्वच्छ रखने के लिए मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना, इस योजना पर आगामी वर्ष लगभग 125 करोड़ का व्यय। राज्य में किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नवीन राजकीय भवनों के निर्माण हेतु योजना, सो आगामी वर्ष 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण पर 140 करोड़ रुपए का व्यय। ग्रामीण क्षेत्रों में चराहगाह, वन क्षेत्र एवं महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों की निजी भूमि की फसलों को आवारा पशुओं, रोजड़ों आदि से बचाने के लिए योजना। शिक्षा विभाग के तत्वाधान में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में उपलब्ध खेल मैदानों के विकास हेतु मुख्यमंत्री खेल मैदान विकास योजना, वर्ष 2016-17 में 2000 ऐसे खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे जिन पर लगभग 150 करोड़ रुपए का व्यय होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शमशान और कब्रिस्तान में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए मुक्तिधाम विकास योजना के तहत वर्ष 2016-17 में 1000 से अधिक शमशान कब्रिस्तान का विकास किया जाएगा जिस पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय। कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में ग्राम पंचायत के लिए दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र निर्माण एवं संचालन योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन सेवाओं का अभाव है। मैं घोषणा करती हूँ कि 15,000 से अधिक आबादी वाली समस्त ऐसी पंचायतें जो अपने स्वयं के संसाधनों से अग्निशमन वाहनों का संचालन एवं रखरखाव करने के लिए इच्छुक है, उनको राज्य सरकार द्वारा अग्निशमन वाहन हेतु आवश्यक अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य की सभी पंचायत मुख्यालयों पर नियत दिवस को पंचायत शिविर का आयोजन कर ग्रामीण जनता के पंचायत स्तर पर विचाराधीन कार्यों का निस्तारण किया जाएगा। इन शिविरों में आवासीय पट्टों का आवंटन, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जारी करने, पेंशन संबंधी कार्य एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में संबंधित अन्य कार्य मौके पर ही संपादित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जनोपयोगी विकास कार्य के निर्माण हेतु चलाई जा रही गुरु गोलवर्कर जन भागीदारी विकास योजना में इस वित्तीय वर्ष में अब तक विद्यालय, चिकित्सा
संस्थानों के निर्माण कार्य, शमशान एवं कब्रिस्तान की चार दीवारी आदि के 842 कार्य पूर्ण किए गए हैं। इस योजना में दानदाता की बढ़ती सहभागिता को देखते हुए आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। गत बजट में अन्य चिन्हित वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। आगामी वर्ष ऐसे वर्गों के परिवारों को आवास निर्माण हेतु सहयोग के लिए 31 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राजीविका कार्यक्रम सन 2011 में प्रारंभ किया गया था, परंतु दिसंबर 2013 तक इसकी गति अत्यंत धीमी रही। हमारी सरकार ने इस योजना को प्राथमिकता से क्रियान्वित करते हुए 2 वर्षों में 21,447 स्वयं सहायता समूह का गठन कर 2,50,000 महिलाओं को लाभान्वित किया। इस कार्यक्रम के 90% से अधिक लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि मॉट मैकडॉनल्ड द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार राजीविका के साथ जुड़े 74% स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आमदनी बढ़ी है। राजीविका के तहत सरकार द्वारा 1,683 गांवों को लाभान्वित करते हुए राज्य में पहली बार 10 पंचायत समितियों में 42 क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन किया गया। 40 गांवों की लगभग 5,000 महिलाओं की सहभागिता से प्रत्येक फेडरेशन मिनी बैंक के रूप में कार्य कर सकेगा तथा वर्तमान में प्रत्येक फेडरेशन के पास लगभग 2,50,00,000 रुपये का कॉर्पस है। महिला सशक्तिकरण को संबल प्रदान करने हेतु हमने वर्ष 2015-16 में इस कार्यक्रम के तहत निम्न नवाचार भी किए हैं। 1,500 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की सदस्य की 1,500 महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं को विमेन कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। ये महिलाएं अब नए स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उस समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं। इनमें से कुछ महिलाओं के नए प्रशिक्षण के माध्यम से अपने परिवार के लिए लगभग 1,00,000 रुपये से भी अधिक आय का सृजन कर इस वित्तीय वर्ष में किया है। कदुम्बश्री केरल की मदद से कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में 48,000 परिवारों को माइक्रो एंटरप्राइज से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और स्वयं सहायता समूह से के लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान करने हेतु झालावाड़ जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा एक टोल फ्री कॉल सेंटर का संचालन प्रारंभ किया गया है। आगामी वर्ष में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के माध्यम से इस कार्यक्रम को 100 नई पंचायत समितियों में प्रारंभ किया जाएगा तथा 30,000 नए स्वयं सहायता समूह का गठन कर 4,00,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। डिजिटल राजस्थान और सुशासन। राज्य में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर IT इनेबल्ड एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन केंद्रों के माध्यम से संवेदनशील संस्थाओं की CCTV कैमराओं से निगरानी, समस्त आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों का संचालन और हेल्पलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। वन विभाग द्वारा राज्य के वन क्षेत्र एवं विभिन्न अभयारण्यों के प्रभावशाली विकास और संधारण की संपूर्ण प्रक्रिया तथा वानिकी संस्थान का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए IT इनेबल्ड तंत्र का निर्माण किया जाएगा। मैंने वर्ष 2005 में स्टेट डेटा सेंटर के प्रथम चरण का लोकार्पण किया था। मुझे बताते हुए हर्ष है कि 13 दिसंबर 2015 को मैंने स्टेट डेटा सेंटर के तीसरे चरण का लोकार्पण किया। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए संसाधनों के विकास की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान डेटा सेंटर में क्लाउड की स्थापना की जाएगी तथा एक नए स्टेट डेटा सेंटर भवन का निर्माण किया जाएगा। आयोजना में वर्ष 2014-15 में BPL परिवार की महिलाओं को भामाशाह कार्ड के साथ उनके बैंक खातों में 2,000 रुपये 2 किश्तों में हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी। अब तक कुल 26,00,000 पात्र महिलाओं में से 16,48,000 महिलाओं के खाते में राशि हस्तांतरित की गई है। वर्ष 2016-17 में 5,75,000 BPL परिवार की महिलाओं को भामाशाह कार्ड के साथ उनके बैंक खातों में 2,000 रुपये एक मुश्त हस्तांतरित करने के लिए 115 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। भामाशाह योजना के अंतर्गत लाभान्वितों को राशि हस्तांतरित सुविधा पंचायत स्तर से नीचे उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 15,000 ई मित्र पे पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। यह एक तरह से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के रूप में कार्य करेंगे। बैंकों के माध्यम से सुलभ सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से इस वित्तीय वर्ष में अब तक 389 बैंक ब्रांच खोली जा चुकी हैं। आगामी वर्ष में बैंकों द्वारा प्रदेश में 500 नई ब्रांचें खोली जाएंगी। वर्ष 2016-17 में
भामाशाह योजना से जोड़ते हुए प्रदेश के किसानों को फसल ऋण से संबंधित ब्याज अनुदान, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ की राशि शीघ्र एवं पारदर्शी रूप से प्रदान की जाएगी। साथ ही चरणबद्ध रूप से विभिन्न विभागों की नगद एवं गैर नगद लाभ हस्तांतरण की योजनाओं को भामाशाह प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। भामाशाह योजना के सतत रूप से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों को जोड़ने तथा योजना तंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से मैं भामाशाह योजना एक्ट बनाने की घोषणा करती हूँ। इस एक्ट के माध्यम से समस्त विभागों के विभिन्न लाभ स्थानांतरण की योजनाओं को आवश्यक रूप से भामाशाह योजना से जोड़ा जाएगा तथा भामाशाह प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार प्रत्येक पंचायत पर ग्राम सभा का आयोजन कर योजना के माध्यम से दिए गए लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन ग्राम सभा में रखा जाएगा। इस हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। किसी भी योजना का लाभ व्यक्ति एवं समूह तक पहुंचाने के लिए जन सामान्य को जागरूक किया जाना आवश्यक है। प्रथम चरण में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन की ट्रेनिंग सतत रूप से दी जाएगी। इसके पश्चात ये सुविधा पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्व सैनिक कल्याण में आगामी वर्ष में राजस्व विभाग के निर्माणाधीन भवनों के लिए 163 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही राजस्व विभाग के कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए सभी कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस हेतु वर्ष 2016-17 में 13 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। ई धरती कार्यक्रम के तहत राजस्थान के समस्त गाँव के राजस्व नक्शों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। साथ ही आगामी 3 वर्षों में नक्शों का हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से नवीनीकरण किया जाएगा। इस हेतु भू प्रबंध विभाग के मुख्यालय एवं भू प्रबंध अधिकारी कार्यालय में जीआईएस लैब की स्थापना की जाएगी। कोटा में वॉर विडोज हॉस्टल, हनुमानगढ़ एवं राजगढ़ चूरू में सैनिक विश्रामगढ़ का निर्माण तथा सैनिक विश्रामगृह उदयपुर के विस्तारीकरण का कार्य 2,45,00,000 रुपए की लागत से करवाया जाएगा। राजस्थान शौर्य पुरस्कार, नगद पुरस्कार और भूमि अनुदान नियम 1966 के तहत युद्ध सेवा मेडल सीरीज पदक धारक को भी 25 बीघा सिंचित भूमि, भूमि न लेने की स्थिति में नियमानुसार नकद तथा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल को 16,00,000 रुपये, उत्तम सेवा मेडल धारक को 9,50,000 रुपये और युद्ध सेवा मेडल धारक को 6,50,000 रुपये की नकद राशि दिए जाने की घोषणा करती हूँ। गृह विभाग प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को शीघ्र सजा दिलवाने के लिए पुलिस के साथ साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तथा अभियोजन विभाग को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जेल में विचाराधीन बंदियों एवं अपराधियों को उचित वातावरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना भी हमारी प्राथमिकता है। इस हेतु मैं निम्न घोषणा करती हूँ। आगामी 3 वर्षों में 1,000 सबॉर्डिनेट आवास बनाने की योजना लागू की जाएगी, जिस पर 190 करोड़ रुपए का व्यय होगा। पुलिस लाइनों में एवं थानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए आगामी वर्ष में 28 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। पुलिस विभाग के निर्माणाधीन एवं नवीन प्रशासनिक भवनों के लिए 31 करोड़ रुपया, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 34 करोड़ रुपये की लागत से उपकरण तथा 10 करोड़ रुपये से वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय झालावाड़ की क्षमता को 250 से बढ़ाकर 500 किया जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस संचार नेटवर्क उपग्रह संचार तकनीक पर आधारित VOL नेट प्रणाली को अपग्रेड करते हुए 37 VSATs पर 1,56,00,000 रुपए की लागत से नवीन उपकरण स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक रेंज में 1 साइबर क्राइम यूनिट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही वर्तमान में राज्य में कार्यरत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को सुदृढ़ करने के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मुख्यालय के विस्तारीकरण का कार्य 3,89,00,000 रुपये की लागत से करवाया जाएगा। साथ ही ब्यूरो के लिए एक नए ट्रांसक्रिप्ट लैब की स्थापना की जाएगी। गृह रक्षा स्वयंसेवक कार्यालय प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के नवीन भवन का निर्माण 2,08,00,000 रुपए की लागत से करवाया जाएगा। अजमेर और बीकानेर में राज्य विधि विज्ञान की प्रयोगशालाओं का निर्माण 44,74,00,000 रुपए की लागत से करवाया जा रहा है। आगामी वर्ष इस हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है और निर्माणाधीन एवं नवीन जेल भवनों के निर्माण हेतु
65,57,00,000 रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। बंदियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के माध्यम से न्यायालय में पेशी हेतु 34 स्थान पर 1,70,00,000 रुपए की लागत से कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। जोधपुर केंद्रीय कारागार में स्थापित जैमर को 3,84,00,000 रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। दौसा बीकानेर कारागृह एवं किशनगढ़वास सांबरलेख हिंडौन सिटी बयाना मेड़ता सिटी उप कारागृहों में 1,35,00,000 रुपए की लागत से CCTV कैमरे स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के चयनित कारागृह में एम्बुलेंस एक्सरे मशीन सोनोग्राफी जैसे मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाए जाने हेतु 1,61,00,000 रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। बंदियों को हाइजीनिक खाना उपलब्ध कराने की दृष्टि से चयनित कारागृह में स्वचालित चपाती बनाने की मशीन आटा एवं मसाला पीसने की चक्की 1,00,00,000 रुपए की लागत से उपलब्ध करवाई जाएगी। हनुमानगढ़ टिब्बी संगरिया जिला हनुमानगढ़ झुंझुनू नवलगढ़ जिला झुंझुनू बाली जिला पाली में नवीन अभियोजन कार्यालय भवन का निर्माण 2,31,00,000 रुपए की लागत से करवाया जाएगा। विधि और न्याय प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए मैं निम्न नवीन न्यायालय खोलने की घोषणा करती हूँ। मालाखेड़ा जिला अलवर एवं जमवा रामगढ़ जिला जयपुर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट न्यायालय, बीकानेर एवं जयपुर में एक एक एवं कोटा में 2 पारिवारिक न्यायालय, भरतपुर में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, फतेहपुर खैरवाड़ा जैसलमेर एवं चिड़ावा में एक एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, बांसवाड़ा मुख्यालय पर जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 29,91,00,000 रुपये की लागत से कोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। आगामी वर्ष में राज्य के न्यायालयों के भवनों में नवीन निर्माण के लिए 165,50,00,000 रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में वादी एवं आमजन हेतु प्रतीक्षालय रैंप पार्किंग शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 23,22,00,000 रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। सूचना एवं जनसंपर्क मुख्यालय के वर्तमान भवन का सुदृढ़ीकरण 2,00,00,000 रुपए की लागत से करवाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में भी 1,92,00,000 रुपए की लागत से नए सूचना केंद्र भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। विभिन्न योजना के प्रचार प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का विस्तार करते हुए इसमें इन्फोग्राफिक्स का प्रयोग किया जाएगा। वित्तीय प्रबंधन राज्य में वर्ष 1993 के बाद प्रथम बार जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स रूल्स में प्रदत्त की गई वित्तीय शक्तियों का व्यापक संशोधन करते हुए इन शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, जिससे प्रोक्योरमेंट रिफंड राइट ऑफ जैसे कार्य में अनावश्यक विलंब नहीं हो। आगामी वर्ष में सार्वजनिक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम में दी गई शक्तियों का भी विकेंद्रीकरण किया जाएगा। आगामी वर्ष में तहसील बाप बालेसर जिला जोधपुर नीमराना रैनी जिला अलवर तालेड़ा जिला बूंदी बीदासर जिला चूरू दूदू जिला जयपुर मलसीसर सूरजगढ़ जिला झुंझुनू खंडेला जिला सीकर रियाबाड़ी कुचामन सिटी मुंडवा जिला नागौर भुसावर जिला भरतपुर में नवीन इंडिपेंडेंट उपकोष कार्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 3,50,00,000 रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही वर्तमान में 8 तहसीलों में स्थापित उपकोष कार्यालयों के नवीन भवनों का निर्माण 2,00,00,000 रुपए की लागत से करवाया जाएगा। हमारी सरकार ने गत 26 माह में 80,000 से भी अधिक नियुक्तियां दी हैं, जबकि पिछली सरकार के प्रथम 26 माह के कार्यकाल में दी गई नियुक्तियों की संख्या 22,000 से भी कम है। हमने 1,00,000 से अधिक अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है। हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति कर दी है, जिससे कि यह संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर सकें। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड के मुख्यालय भवन का निर्माण आगामी वर्ष में प्रारंभ किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान का रिवीजन किए जाने हेतु गठित 7वें वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। इस आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं की क्रियान्विति के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा आदेश जारी किए जाने के पश्चात राज्य कर्मचारियों का रिवाइज्ड वेतनमान निर्धारण करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करते हुए मंत्रालय सेवा संवर्ग में मल्टी टास्क सर्विसेज नॉन टेक्निकल के नवीन पद का सृजन किया जाएगा।
जिसकी सीधी भर्ती राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय चयन बोर्ड के माध्यम से कराई जाएगी। समस्त राजस्थान राज कर्मचारियों के राज्य बीमा एवं GPF के ऋण आहरण अंतिम भुगतान के आवेदन प्रथम एवं अधिक बीमा कटौती घोषणा पत्र आदि ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारण करने के लिए SIPF पोर्टल एवं पे मैनेजर का संपूर्ण इंटीग्रेशन किया जाएगा। इससे राज्य के लगभग 7 लाख कार्मिक एवं उनके परिजन लाभान्वित होंगे। वर्ष 2004 के बाद नियुक्त हुए राज्य के कर्मचारियों के पेंशन अंशदान के लिए 505 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही राज्यकर्मियों की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत वर्तमान में देय राशि 2 लाख रुपए को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश की 5 विद्युत कंपनी के कर्मचारियों के लिए जारी मेडिक्लेम पॉलिसी के बीमा धन को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाएगा। राज्य में सिविल सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर की बनाने के लिए हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान के आधारभूत ढांचे का जीर्णोद्धार चरणबद्ध रूप से कराया जाएगा। इस हेतु आगामी वर्ष में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। कर प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं अपने कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पूर्व मैंने सभी वर्गों के सुझाव प्राप्त किए हैं। मैंने इस वर्ष बजट निर्माण में आमजन और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता को अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित करने के साथ साथ संभाग स्तर पर भी बैठकें आयोजित करके सुझाव प्राप्त किए हैं। इन सभी प्राप्त सुझावों में से व्यवहारिक सुझावों को कर प्रस्तावों में शामिल करने का प्रयास किया है। राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु गत 2 वर्ष में कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने और इसके सरलीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों का परिणाम है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी असेसमेंट ऑफ स्टेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स 2015 की रिपोर्ट में कर प्रक्रियाओं में के संबंध में राज्यों को पूरे देश में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। गत 2 वर्षों में वैट संबंधी अधिकांश कार्य डीलर्स की सुविधा हेतु ऑनलाइन किए गए हैं। सभी टैक्सेस के लिए रजिस्ट्रेशन व रिटर्न के लिए एक ही यूनिफाइड फॉर्म की व्यवस्था कर उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। अब डिजिटली साइंड पंजीयन आवेदन करने पर डीलर को कार्यालय में आए बिना ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। डीलर की सुविधा के लिए अपील तथा अन्य आवेदन जैसे वेवर रेक्टिफिकेशन आदि ऑनलाइन कर दिए गए हैं। समस्त करों के लिए डिमांड एंड कलेक्शन रजिस्टर DCR को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे डीलर्स को बिना कार्यालय आए बकाया डिमांड की सूचना उपलब्ध हो रही है। मुझे यह भी अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्तमान में असेसमेंट ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत माह फरवरी 2016 तक लगभग 2,18,000 कर निर्धारण ऑनलाइन किए जा चुके हैं। मैं समझती हूँ कि वैट सिस्टम के अंतर्गत यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यहाँ मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगी कि करों के भुगतान की सुविधा का विस्तार करते हुए SBI ई पे गेटवे को ई ग्रास से जोड़ा गया है, जिससे डीलर्स को 8 बैंकों के स्थान पर अब 35 बैंकों के माध्यम से कर जमा कराने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। माल और सेवा कर GST व्यापार और उद्योग को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाने के उद्देश्य से देश में GST प्रणाली लागू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। GST लागू होने पर डीलर्स को आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। GST के इम्प्लीमेंटेशन के लिए विभाग के अधिकारियों, डीलर्स, उद्योग संघों तथा टैक्स रिटर्न पेपर प्रिपेयरर्स को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय पर स्टेट ऑफ द आर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड IT ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित। इस सेंटर में GST के विशेषज्ञों के द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स को GST के संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि देश में GST लागू होने पर राज्य के व्यापारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। IT सिस्टम तथा टैक्स कलेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण। अब मैं वाणिज्य कर विभाग में IT सिस्टम्स के माध्यम से टैक्स कलेक्शन प्रक्रिया के सरलीकरण संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ। वर्तमान में मोबाइल ऐप के जरिए फॉर्म VAT 47A और VAT 49A उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस सुविधा का विस्तार करते हुए डीलर सर्च, पेमेंट, पैन, फॉर्म्स एंड सर्टिफिकेट्स के वेरिफिकेशन और सभी तरह की एप्लीकेशन की स्टेटस की जानकारी भी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। ये सुविधाएं डीलर्स को वेरिफिकेशन हेतु एनी टाइम एंड एनी वे आधार पर उपलब्ध हो सकेंगी। डीलर्स और आम जन की कर संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु ऑनलाइन सजेशन और ग्रीवेंस रिडर्सल
की सुविधा विभागीय पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। वैट में ऑनलाइन अपील की व्यवस्था से अच्छे परिणाम आए हैं। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए अन्य करों यथा एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स में भी ऑनलाइन अपील की सुविधा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही समस्त करों के संबंध में अपील दायर करने हेतु यूनिफाइड अपील फॉर्म की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। गत वर्षों में वैट रिफंड हेतु ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई, इससे डीलर के खाते में सीधे ही रिफंड की राशि जमा हो जाती है। इसी क्रम में 220 करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड सीधे ही व्यवहारियों के खाते में जमा करवाए गए। इस सुविधा का विस्तार करते हुए एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स में भी ऑनलाइन रिफंड की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही समस्त करों के लिए यूनिफाइड रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। वाणिज्यिक कर विभाग में वर्ष 2015-16 में अपील दायर करने की ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की गई है। वर्ष 2015-16 से पूर्व की लंबित अपीलों को भी ऑनलाइन किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही लिटिगेशन संबंधी मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए सेंट्रलाइज्ड लिटिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। वैट अधिनियम और नियमों में संशोधन। वर्तमान में डीलर्स द्वारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के परिवर्तन पर एक कर निर्धारण अधिकारी से दूसरे कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरण की अनुमति के लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित है, जिसे घटाकर 30 दिन किया जाना प्रस्तावित है। डीलर्स द्वारा रिटर्न की हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं करने के कारण उन पर लेट फी की मांग कायम की गई है। डीलर्स की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए लेट फी को राज्य सरकार के स्तर पर वेव करने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। कुछ डीलर्स के वर्ष के दौरान श्रेणी में परिवर्तन होने से उनको फॉर्म वैट 11 के स्थान पर फॉर्म वैट 10 प्रस्तुत करने का प्रावधान है। ऐसे डीलर्स को पूर्व की अवधि का फॉर्म वैट 10 प्रस्तुत करने पर लेट फी का दायित्व बनता है। डीलर्स को हो रही इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए वैट नियमों में संशोधन प्रस्तावित है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ठेके के संबंध में एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लिया जाता है। कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स को संबंधित ठेके में बचे हुए माल, स्क्रैप आदि की बिक्री करनी पड़ती है, जिसके कारण वह फॉर्म वैट 11 देने का अपात्र हो जाता है। ऐसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को राहत देने के उद्देश्य से वैट नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। कई बार डीलर्स द्वारा गलती से चलान में टाइम पीरियड का गलत अंकन हो जाता है अथवा गलती से राशि अधिक जमा हो जाती है। इस राशि का एडजस्टमेंट या रिफंड प्राप्त करने के लिए असेसमेंट तक इंतज़ार करना पड़ता है, जिससे उसे लिक्विडिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसी जमा राशि का शीघ्र एडजस्टमेंट या रिफंड दिए जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में विभाग द्वारा उपायुक्त के माध्यम से ऑनलाइन रिफंड जारी किए जा रहे हैं। डीलर्स को शीघ्र ऑनलाइन रिफंड देने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए अब सीधे ही सेंट्रल रिफंड ऑफिसर के माध्यम से ऑनलाइन रिफंड दिया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में डीलर्स द्वारा प्रस्तुत रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को एक वर्ष के टाइम पीरियड में निष्पादित करने का प्रावधान है। डीलर्स को सुविधा प्रदान करने के लिए इस टाइम पीरियड को घटाकर 6 माह किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा अब तक लगभग 5,000 छोटे डीलर्स को डिजिटल सिग्नेचर्स की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। डीलर्स की सुविधा का ध्यान रखते हुए वैट इनवॉइस पर सामान्य सिग्नेचर के साथ साथ डिजिटल सिग्नेचर संबंधी प्रावधान भी किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कॉन्ट्रैक्टर्स को अवार्डर के से TDS सर्टिफिकेट प्राप्त कर असेसिंग अथॉरिटी के कार्यालय में जमा कराना पड़ता है। डीलर्स की इस असुविधा को देखते हुए अवार्डर द्वारा फॉर्म वैट 40E में ऑनलाइन रिटर्न प्रस्तुत करने की स्थिति में TDS सर्टिफिकेट स्वतः ही कॉन्ट्रैक्टर के डीलर प्रोफाइल में जेनरेट किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में अवार्डर द्वारा प्रस्तुत क्वार्टरली रिटर्न फॉर्म वैट 40E को रिवाइज करने का प्रावधान नहीं है, अतः फॉर्म वैट 40E को वर्ष की समाप्ति से 3 माह तक रिवाइज करने के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में धारा 27 के अंतर्गत ऑडिट डीलर्स के कार्यस्थल पर करवाए जाने के प्रावधान हैं। डीलर्स को सुविधा देने की दृष्टि से उन्हें ऑडिट का स्थान चयन करने का विकल्प दिए जाना संबंधी प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। मेरे द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट में 1 अप्रैल 2015 से समस्त असेसमेंट ऑनलाइन किए जाने की घोषणा की गई थी। इस हेतु विभाग द्वारा ऑनलाइन असेसमेंट मॉड्यूल विकसित किया गया है। ऑनलाइन असेसमेंट की व्यवस्था प्रथम बार लागू होने से वर्ष 2013-14 के असेसमेंट विलंब
से प्रारंभ हुए हैं। अतः मैं वर्ष 2013-14 के असेसमेंट को फाइनलाइज करने की समय सीमा 31/7/2016 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित करती हूँ। वर्तमान में बिल्डर्स और डेवलपर्स द्वारा अपने सभी प्रोजेक्ट्स के लिए लंप सम टैक्स जमा कराने का विकल्प एक साथ लेने का प्रावधान है। व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए लंप सम टैक्स जमा कराने की सुविधा को प्रोजेक्ट वाइज प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा एक मुश्त कर भुगतान का विकल्प देने वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स द्वारा रजिस्टर्ड सब कॉन्ट्रैक्टर को लिए जाने वाले भुगतान पर TDS काटने की बाध्यता से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। ऑनलाइन जनरेटेड घोषणा पत्र में कई त्रुटि होने पर वर्तमान में इन्हें 6 माह में निरस्त किए जाने का प्रावधान है। व्यवहारियों की समस्या को देखते हुए इस अवधि को बढ़ाते हुए अतिरिक्त 6 माह तक अनुमति प्रदान करने के लिए उपायुक्त को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में उद्योगों की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए कैपिटल गुड्स की परिभाषा में जनरेटिंग सेट्स को भी सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में बेहतर कर अनुपालना सुनिश्चित करने और कमोडिटी एनालिसिस के उद्देश्य से कुछ कमोडिटीज़ को राज्य के भीतर परिवहन किए जाने तथा राज्य से गुजर कर अन्य राज्यों में ले जाने पर ई ट्रांजिट पास की व्यवस्था दिनांक 1/8/2016 से किया जाना प्रस्तावित है। उक्त ई ट्रांजिट पास को मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जनरेट किया जा सकता है। विद्युत शुल्क, वर्तमान में राज्य सरकार को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट के अंतर्गत लगने वाले अर्बन सेस और वाटर कंजर्वेशन सेस को माफ़ करने के अधिकार नहीं हैं। उपभोक्ताओं की व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु राज्य सरकार को एग्जेम्पशन की शक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। लग्जरी टैक्स, होटल पर लगने वाले लग्जरी टैक्स के रजिस्ट्रेशन तथा कर निर्धारण आदि के प्रावधान को वैट एक्ट के अनुरूप करने के उद्देश्य से लग्जरी टैक्स में संशोधन प्रस्तावित है। इसके साथ ही टैक्सेबिलिटी के संबंध में स्पष्टता लाने के लिए लग्जरी टैक्स नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। प्रवेश कर, वर्तमान में ई कॉमर्स के माध्यम से राज्य में माल का आयात किया जा रहा है। प्रदेश में ऐसे लाए जा रहे माल पर प्रभावी नियंत्रण तथा करारोपण हेतु प्रवेश कर अधिनियम में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही ऐसे लाए जा रहे माल पर वर्तमान में अधिसूचित माल से भिन्न वैट के तहत कर योग्य माल पर 5.5% की दर से कर लगाया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 के परिणाम काफ़ी उत्साहजनक रहे। इस योजना के तहत राज्य में 252 उद्यमी द्वारा लगभग 8,096 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को रिप्स 2014 के अंतर्गत निम्न संशोधित लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। भू रूपांतरण शुल्क की छूट 50% से बढ़ाकर 100%, एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन सब्सिडी की सीमा सामान्य श्रेणी के कार्मिक के लिए 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये तथा महिला SC ST विशेष योग्य जन श्रेणी के कार्मिक की दशा में 30,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपये, एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन सब्सिडी तथा भूमि रूपांतरण शुल्क का बढ़ाया गया उक्त लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष योग्य जन श्रेणी के उद्यमियों को भी दिया जाना प्रस्तावित है। रिप्स 2014 के अंतर्गत बैकवर्ड एरिया और मोस्ट बैकवर्ड एरिया में लगने वाले उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ दिए गए हैं। राज्य के ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार सृजन के अवसरों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से रिप्स 2014 के लागू होने की तारीख से अतिरिक्त लाभ नियमानुसार दिया जाना प्रस्तावित है। विद्युत शुल्क में 50% के स्थान पर 100% छूट की जाएगी। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी के लाभ के लिए EFCI की सीमा लागू नहीं होगी। बैकवर्ड एरिया में लगने वाले उद्योगों को 0.5% विशेष ब्याज अनुदान देय होगा। मोस्ट बैकवर्ड एरिया में लगने वाले उद्योगों को 1% विशेष ब्याज अनुदान देय होगा। वर्तमान में बैकवर्ड एरिया और मोस्ट बैकवर्ड एरिया में उपलब्ध अतिरिक्त लाभ नोटिफाइड जिलों और जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमियों को प्राप्त नहीं होते हैं। अब मैं नोटिफाइड जिले तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमियों को भी ऐसे समस्त लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग एक महत्वपूर्ण उद्योग है।
इसमें निवेश और रोजगार की प्रचुर संभावनाएं मौजूद हैं। अतः रिप्स 2014 में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को थ्रस्ट घोषित करते हुए फूड पार्क में स्थापित होने वाले फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को अतिरिक्त अनुदान और रियायतें देने दिए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योगों में निवेश हेतु नवंबर 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2016 का आयोजन किया जाएगा। तो राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एंड एग्रो मार्केटिंग प्रमोशन पॉलिसी 2015 जारी की गई है। वर्तमान में कृषि आधारित उद्यमियों को रिप्स 2014 के अंतर्गत कई लाभ दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में एग्रो प्रोसेसिंग एंड एग्री मार्केटिंग सेक्टर के निम्न उद्यमियों को रिप्स 2014 के अंतर्गत लाभ देने की घोषणा करती हूँ। 2 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले आटा, मैदा, सूजी और बेसन की फ्लावर मिलिंग इकाइयाँ एंड मॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, इसके साथ ही फिश फीड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को भी ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाना प्रस्तावित करती हूँ। राज्य में बायोटेक्नोलॉजी संबंधित उद्योगों के विकास की अत्यधिक संभावना को देखते हुए बायोटेक पॉलिसी 2015 जारी की गई और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को रिप्स 2014 के अंतर्गत थ्रस्ट सेक्टर में सम्मिलित किया जाकर निम्न लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। ऐसे उद्योगों द्वारा 5 करोड़ से अधिक और 25 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 60% इन्वेस्टमेंट सब्सिडी और 10% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी प्रस्तावित। 25 करोड़ से अधिक के निवेश पर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 70% और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी 10% किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे उद्योगों को प्रवेश कर में भी कैपिटल गुड्स के आयात पर 100% छूट दिया जाना प्रस्तावित है। ऐसे उद्योगों को 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश तथा 200 से अधिक रोजगार सृजन करने पर कस्टमाइज पैकेज का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रोप्रायटरशिप पार्टनरशिप इकाई के स्वामित्व हस्तांतरण पर नए क्रेता को लाभ दिए जाने के प्रावधान रिप्स 2010 तथा रिप्स 2014 के अंतर्गत नहीं है। ऐसी इकाइयों को हस्तांतरण पश्चात शेष रही अवधि के लिए बचे हुए लाभ नए क्रेता को दिए जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। निवेशकों की भ्रांतियों के निवारण के लिए मैं रिप्स 2014 के नेगेटिव लिस्ट की एंट्री नंबर 5 में संशोधन प्रस्तावित करती हूँ। वर्तमान में रिप्स 2010 के अंतर्गत विभिन्न स्तरों से जारी किए गए आदेशों में अपेरेंट मिस्टेक्स पाए जाने पर उसे रेक्टिफाई करने हेतु प्रावधान नहीं है। इस कारण आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए रिप्स 2014 के अनुरूप रेक्टिफिकेशन से संबंधित प्रावधान रिप्स 2010 में भी सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। रिप्स 2010 के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के छूट के लाभ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी प्राप्त हो सकें, इसके लिए संबंधित अधिसूचना में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। वैट सेस दर संबंधी प्रस्ताव, आमजन को राहत देने के उद्देश्य से विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों को निम्नानुसार कम किया जाना प्रस्तावित है। निम्न वस्तुओं पर वैट माफ किया जाना प्रस्तावित है। सोलर टॉर्च, बायोमास स्टोव, केरोसिन लैंप, हरिकेन लैंप, केरोसिन विक स्टोव्स, केरोसिन प्रेशर स्टोव्स, लाई, पट्टू, घुंघरू, सोडा, शुगर केन, सत्तू, खाकरा, अनब्रांडेड टोस्ट और रस्क, आर्टिकल्स ऑफ मार्बल अप टू 1,000 पर आइटम, नीडल्स, सोइंग नीडल्स, सेफ्टी मैचेस, गंगा जल, गंगा अर्घ्य पैक्ड इन सील्ड कंटेनर्स, कपूर, अर्दन रूफिंग टाइल्स, एनिमल शूज एंड इट्स नेल्स, रबर प्ले बॉल एंड बलून्स, हैंड पंप्स, पार्ट्स एंड फिटिंग्स। राज्य के कारागृह की उद्योग शालाओं में निर्मित उत्पादों को वैट के से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। वैट की दरों को तर्कसंगत करने के क्रम में निम्नलिखित वस्तुओं पर वैट की दर 14.5 से घटाकर 5.5% किया जाना संबंधित है। मेजरिंग टेप्स एंड वर्नियर कैलिपर्स, डेंटल इम्प्लांट्स, पिकल एक्सक्लूडिंग ब्रांडेड पिकल, ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक गुड्स इंक्लूडिंग प्लास्टिक ग्रिल्स एंड अनब्रांडेड प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर, ऑल टाइप्स ऑफ कार्पेट्स, इलेक्ट्रिक स्विच गियर, एसडी कार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव, हेल्थ एंड फिटनेस, जिमनास्टिक इक्विपमेंट, फैट लूजिंग बेल्ट्स, बॉडी वाइब्रेटिंग आइटम्स, मॉर्निंग वॉकर्स, एक्यूप्रेशर मशीन्स एंड थर्मल मसाजेस। सभी प्रकार के यान पर वैट की दर 5.5% से घटाकर 2%
यान पर 5.5% से घटाकर 2% किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में पान का पत्ता कर मुक्त है, परंतु तैयार पान पर 14.5% वैट दे है। इसे कम करते हुए 5.5% किया जाना प्रस्तावित। भारी माल वाहक यान जिसका ग्रोस व्हीकल वेट 12,000 किलोग्राम से अधिक है पर वैट की वर्तमान दर 15% से 13% किया जाना प्रस्तावित है। अब कैप्टिव पावर जनरेशन पर देय अर्बन सेस और वाटर कंजर्वेशन सेस को रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से माफ किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में वैट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदारों के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट संबंधी TDS की दर 6% है। ठेकेदारों की कैश लिक्विडिटी की समस्या को देखते हुए TDS की दर को 6% से घटाकर 3% किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार सैनिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हाल ही में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा किए जा रहे माल की बिक्री पर 3% की सीमा से अधिक देय वैट को एग्जेम्प्ट किया गया है। सैन्य अधिकारियों द्वारा बताई गई कुछ कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में वॉर विडोज, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी तथा उनकी विधवा आदि को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने तथा विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। इसी क्रम में जापानी जोन और कोरियाई जोन में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के लिए इंटरस्टेट सेल पर 0.25% की कंसेशनल CST रेट की समयावधि को बढ़ाया जाना प्रस्तावित। प्रवेश कर राज्य के औद्योगिक वातावरण को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने तथा उद्योग जगत की मांग को देखते हुए गत वर्ष मैंने 14 वस्तुओं को प्रवेश कर से मुक्त करने के साथ साथ 18 वस्तुओं पर प्रवेश कर को कम किया था। उद्योग जगत की मांग को देखते हुए राज्य में लागू निम्न वस्तुओं पर से प्रवेश कर के पूर्ण छूट दिया जाना प्रस्तावित है। ACSR कंडक्टर्स, ऑल काइंड्स ऑफ टेलीफोन एंड पार्ट्स देयर ऑफ, इंसुलेटर्स, फोटोकॉपियर्स, स्टे वायर, टेलीविजन सेट्स, वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव अवन, टिन कंटेनर्स, एरेटेड वाटर्स, मिनरल वाटर एंड वाटर सोल्ड इन सील्ड कंटेनर्स। एमनेस्टी स्कीम, वैट एंड एंट्री टैक्स। इस वित्तीय वर्ष में वाणिज्य कर विभाग और पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा जारी की गई एमनेस्टी स्कीम्स का लाभ राज्य के नागरिकों और व्यापारियों द्वारा काफ़ी संख्या में उठाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रवेश कर के संबंधित मामलों में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एमनेस्टी स्कीम लाया जाना प्रस्तावित है। इस एंट्री टैक्स एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत ऐसे व्यवहारी जिनकी कुल बकाया डिमांड 31 दिसंबर 2015 तक 20 करोड़ से कम है, उन्हें ब्याज और पेनल्टी में राहत दी जानी प्रस्तावित है। ये योजना 31 मार्च 2016 तक लागू रहेगी। वर्तमान में प्रचलित वैट की एमनेस्टी स्कीम की समयावधि 15 मार्च 2016 से बढ़ाकर 31 मार्च 2016 तक कर दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इस योजना में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों का निराकरण करते हुए इस योजना का लाभ मोटर वाहन पर लगने वाले प्रवेश कर की बकाया मांग पर भी दिया जाना प्रस्तावित है। उपर्युक्त प्रोत्साहन अनुदान और कर छूट की घोषणा के पश्चात प्रदेश में विकास कार्यों को गति प्रदान करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए उपाय किया जाना प्रस्तावित है। समृद्ध और विकसित राजस्थान का सपना पूरा करने के लिए व्यापार और उद्योग जगत की सहभागिता के साथ साथ प्रदेश के सभी नागरिकों से भी मैं सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कर की दरों में निम्न परिवर्तन प्रस्तावित है। एरेटेड वाटर पर वैट की दर 15% से 20% किया जाना प्रस्तावित है। सेमी स्टिच्ड गारमेंट पर 5.5% की दर से वैट लगाना जाना प्रस्तावित है। यूज्ड मोटर व्हीकल्स को कैजुअल कमोडिटी की श्रेणी में अधिसूचित किया जाकर इस पर देय वैट को जमा कराने के तरीके एवं अंतराल में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। ग्वारगम तथा ग्वारगम पाउडर पर 5.5% की दर से वैट लगाया जाना प्रस्तावित है। सभी प्रकार के सिगरेट पर वैट की वर्तमान दर में 15% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। सभी प्रकार के यान पर 2% की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है। कैश डिपॉजिट मशीन तथा ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन पर 5% की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है। बेसिक व क्लासिक श्रेणी हेरिटेज होटल्स को छोड़कर अन्य होटल जिनका प्रतिदिन किराया 10,000 से अधिक है पर लक्षरी टैक्स से वर्तमान दर 10% स्थान पर 12% किया जाना प्रस्तावित है। पंजीयन और मुद्रांक,
वर्तमान में एक वित्तीय वर्ष में डीएलसी की बैठक आयोजित नहीं होने पर भूमि का मूल्यांकन दरों में आगामी वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से 10% की वृद्धि का प्रावधान है। आमजन के आवास के सपने को साकार करने हेतु यह घोषणा करती हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 में कृषि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि की मूल्यांकन दरों में डीएलसी द्वारा कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। वर्तमान में बैंक गारंटी के दस्तावेज पर और इसके नवीनीकरण पर 0.25% की दर से तथा अधिकतम 25,000 रुपये स्टैंप ड्यूटी देय है। उद्योग और व्यापार जगत को बैंक गारंटी का नवीनीकरण कराने पर प्रत्येक बार इसी दर से ड्यूटी देनी पड़ती है। अतः उन्हें सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 9/3/2015 से निष्पादित बैंक गारंटी के नवीनीकरण पर देय स्टैंप ड्यूटी में रियायत प्रदान करते हेतु हुए इसकी अधिकतम सीमा को 1,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग संघ द्वारा 9/3/2015 से पूर्व निष्पादित बैंक गारंटी और इसके नवीनीकरण से संबंधित दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी की प्रचलित दर 0.10% में छूट प्रदान करने की मांग की गई है। उनकी इस मांग को ध्यान में रखते हुए मूल बैंक गारंटी और इसके नवीनीकरण पर देय स्टैंप ड्यूटी की दर से 0.10% से घटाकर क्रमशः 1,000 रुपये और 100 रुपये तक भूत लक्षी प्रभाव से किया जाना प्रस्तावित है। सहकारी गृह निर्माण समितियों के भूखंडों के नियमन हेतु दिनांक 30/11/2015 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यास, स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए पट्टों पर दी गई स्टैंप ड्यूटी की छूट दिनांक 31/12/2015 तक उपलब्ध थी। इन संस्थाओं द्वारा अभी भी लगातार पट्टे जारी किए जा रहे हैं। अतः आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से स्टैंप ड्यूटी छूट की अवधि को दिनांक 31/12/2015 से बढ़ाकर 30/9/2016 तक किया जाना प्रस्तावित है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग और अल्प आय वर्ग श्रेणी के परिवारों को प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत EWS और LIG श्रेणी को आवंटित आवासीय यूनिट पर स्टैंप ड्यूटी क्रमशः 50 और 100 रुपये के लिए अधिसूचना जारी की जा रही है। राजस्थान स्टैंप एक्ट 1998 की धारा 35 और 36 के अधीन कलेक्टर द्वारा किए जाने वाले एडजुडिकेशन के मामले में स्टैंप ड्यूटी की गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाती है और इस ड्यूटी पर देय ब्याज की गणना दस्तावेज निष्पादन की दिनांक से की जाती है। वर्तमान मूल्य पर स्टैंप ड्यूटी वसूलने के बाद पक्षकारों पर ब्याज के रूप में पड़ने वाले अनावश्यक भार से राहत प्रदान करते हुए दस्तावेज निष्पादन की दिनांक से कलेक्टर के निर्णय के दिनांक तक देय ब्याज में छूट दिया जाना प्रस्तावित है। गत सरकार के कार्यकाल में बाड़मेर जिले के पचपदरा और जसोल उप पंजीयक क्षेत्रों में दस्तावेजों का पंजीयन दिनांक 11/07/2013 से 2/14/2014 तक रोक दिया गया था। इस कारण कई आवंटी अपने आबादी के पट्टों का पंजीयन कराने से वंचित रह गए हैं। ऐसे आवंटियों पर आवंटन मूल्य के स्थान पर वर्तमान बाजार दर से स्टैंप ड्यूटी चुकाने का भार आ रहा है। अतः ऐसे पट्टाधारियों को राहत देते हुए मैं घोषणा करती हूं कि ऐसे आवासीय पट्टों की लीज डीड निष्पादन पर बाजार मूल्य के स्थान पर आवंटन मूल्य पर ही स्टैंप ड्यूटी ली जाएगी। भू उपयोग परिवर्तन एवं समान प्रकृति के दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी की दर में रियायत प्रदान करते हुए इसको तर्कसंगत किया जाना प्रस्तावित है। बहुमंजिला इमारत में 3 मंजिल और उससे ऊपर की मंजिलों के बेचान पर अनुपातिक भूमि के मूल्यांकन की दर को 50% से घटाकर 40% किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कतिपय श्रेणी की भूमि और निर्माण के मूल्यांकन की दरों को तर्कसंगत करने के लिए इनसे संबंधित प्रचलित अधिसूचनाओं के में आंशिक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। गत बजट में राज्य सरकार द्वारा विदाउट पोस्टेशन वाले समान प्रकृति के लोन अग्रीमेंट्स पर 0.15% की दर से एक समान स्टैंप ड्यूटी निर्धारित की गई थी। इसी क्रम में अब समान प्रकृति के फर्दर चार्ज के दस्तावेजों पर भी स्टैंप ड्यूटी की दर 2% से घटाकर 0.15% किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे विदाउट पोजेशन वाले ऋण दस्तावेजों पर रजिस्ट्रेशन फीस भी 1% की दर से देय है। व्यापारिक संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए ऐसे ऋण दस्तावेजों पर रजिस्ट्रेशन फीस की अधिकतम सीमा को 25,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।
राज्य में बृहत उद्योग स्थापित करने या अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए ऋण लेने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान स्टैंप एक्ट के आर्टिकल 5, 6 और 30 और 37 में आने वाले ऋण दस्तावेजों जिनमें संपत्ति का कब्जा नहीं दिया गया हो पर स्टैंप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए लिए जाने वाले अधिकांश प्रकार के लोन के दस्तावेजों पर 0.15% की दर से स्टैंप ड्यूटी देय है। निम्नलिखित लोन दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी में छूट दिया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक ऋण लेने का चलन बढ़ा है। राज्य के छात्रों को राहत देने के उद्देश्य से 10 लाख रुपए तक के शैक्षणिक ऋण के दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी की छूट दिया जाना प्रस्तावित है। मैंने राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण हेतु ऋण प्रदान करने के लिए विशेष योजना लाए जाने की घोषणा की है। मैं इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण हेतु दिए जाने वाले 2 लाख रुपए तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी से भी छूट प्रदान करने की घोषणा करती हूँ। मुद्रा योजना के अंतर्गत नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों को राहत देने के उद्देश्य से मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 10 लाख रुपए तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी में छूट दिया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2015 में अंतर्गत राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप स्थापित करने हेतु लिए जाने वाले 10 लाख रुपए तक के ऋण के दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी में छूट दिया जाना प्रस्तावित है। वरिष्ठ नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा निष्पादित रिवर्स मॉर्गेज के दस्तावेजों पर भी स्टैंप ड्यूटी में छूट दिया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में बिजनेस कन्वीनियंस के कारण कंपनी तथा पार्टनरशिप फर्म की अपेक्षा लिमिटेड पार्टनरशिप लायबिलिटी पार्टनरशिप का गठन किया जाना अधिक प्रचलन में है। कई प्रकरणों में मौजूदा कंपनी तथा पार्टनरशिप फर्म का भी LLP के रूप में रूपांतरण किया जा रहा है, अतः LLP के से संबंधित दस्तावेजों पर देय स्टैंप ड्यूटी के संबंध में स्टैंप एक्ट के शेड्यूल में पृथक से प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को LLP के रूप में रूपांतरित किए जाने पर स्टैंप ड्यूटी में रियायत भी दिया जाना प्रस्तावित है। कंपनियों और बैंकों के रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, मर्जर और डीमर्जर के आदेशों पर स्टैंप ड्यूटी की गणना और निर्धारण को सरल बनाने हेतु स्टैंप एक्ट के शेड्यूल के रेलेवेंट आर्टिकल्स में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। संपत्ति के पंजीयन में आम जन की सुविधा हेतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जानी प्रस्तावित है। किसानों की सुविधा हेतु कृषि ऋण में से संबंधित मॉर्गेज डीड का पंजीकरण करने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। बैंक द्वारा निष्पादित दस्तावेजों पर वसूल की गई स्टैंप ड्यूटी की सूचना ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए समुचित व्यवस्था किया जाना भी प्रस्तावित है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के शेष सभी 38 पूर्णकालिक उप पंजीयक कार्यालयों को ई पंजीयन सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाना तथा 100 पदेन उप पंजीयक कार्यालयों को ई स्टैंप व्यवस्था से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। विभाग द्वारा प्रदान की जा रही ऑनलाइन सुविधाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए गत वर्षों के पंजीकृत दस्तावेजों को डिजिटाइज किया जाकर विभागीय सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध कराए जाने एवं पंजीकृत दस्तावेजों की ऑनलाइन सर्च की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। ऑनलाइन दस्तावेज फीड करने वाले पक्षकारों को टाइम स्लॉट आवंटन की ऑनलाइन व्यवस्था संभागीय मुख्यालयों के उपपंजीयक कार्यालयों से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। आमजन की सुविधा हेतु उपपंजीयक कार्यालय में कंप्यूटराइज्ड हेल्प डेस्क की व्यवस्था शुरू किया जाना प्रस्तावित है और प्रथम चरण में जयपुर शहर के सभी उपपंजीयक कार्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दस्तावेजों के पंजीयन हेतु पक्षकारों की सहमति लेकर उनकी आधार संख्या से ऑनलाइन सत्यापन होने पर गवाहों की उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी। राजस्थान स्टैंप नियमों में संशोधन कर ईमेल द्वारा पक्षकारों पर नोटिस तामील करने के प्रावधान किए जाएंगे। ई स्टैंप विक्रय करने वाले सभी स्टैंप वेंडर्स की भौतिक स्टैंप पेपर बेचने की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की घोषणा करती हूँ।
पंजीयन और मुद्रांक विभाग के सुदृढ़ीकरण और कार्य निष्पादन की सुगमता के उद्देश्य से निम्न कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं। विभाग में पूर्णकालिक उप पंजीयक के पद पर तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है, जिनका कुछ समय बाद अन्य विभागों में स्थानांतरण होने के कारण विभाग में नियमों की जानकारी रखने वाले अनुभवी अधिकारियों की कमी बनी रहती है। देश के अधिकांश राज्यों में रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंप का इंडिपेंडेंट काडर है, अतः राज्य के पंजीयन और मुद्रांक विभाग को सशक्त करने के उद्देश्य से तहसीलदार सेवा के अधिकारियों के साथ साथ सीधी भर्ती के माध्यम से भी उप पंजीकों की भर्ती के लिए मैं इस विभाग का अलग काडर गठित करने की घोषित करती हूँ। नागरिकों की सुविधा हेतु जैसलमेर जिले की उप तहसील सम, रामगढ़ और नोक तथा जयपुर जिले की उप तहसील कालवाड़ और दस्तावेजों के पंजीयन के अधिकार दिए जाना प्रस्तावित है। कलेक्टर के निर्णय के विरुद्ध राजस्थान टैक्स बोर्ड में रिवीजन दायर करने की वर्तमान समयावधि को विभाग के लिए 90 दिवस से बढ़ाकर आदेश की तामील की तिथि से 180 दिवस किया जाना प्रस्तावित है। कलेक्टर के निर्णय में रही त्रुटियों को ठीक करने के लिए स्टैंप एक्ट की धारा 52 में निर्धारित 90 दिवस की समयावधि को बढ़ाकर 2 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कलेक्टर द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण और राजस्व हित के विरुद्ध निर्णयों के संभावित राजस्व हानि को रोकने के उद्देश्य से वैट अधिनियम की तर्ज पर स्टैंप एक्ट में भी कलेक्टर के निर्णय के रिवीजन की शक्तियां महानिरीक्षक को प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में फैमिली प्रॉपर्टी के संबंध में निष्पादित रिलीज डीड, सेटलमेंट तथा पार्टीशन डीड पर पृथक पृथक दर से स्टैंप ड्यूटी ली जा रही है। चूंकि ऐसे सभी दस्तावेज परिवार के सदस्यों के बीच ही निष्पादित होते हैं, अतः इन सभी दस्तावेजों पर 1.50% की दर से एक समान स्टैंप ड्यूटी निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। लीव और लाइसेंस दस्तावेजों की प्रकृति लीज डॉक्यूमेंट्स के समान होती है और सामान्यतः लीज के स्थान पर इस दस्तावेज को निष्पादित किए जाने की संभावना रहती है। अतः लीव एंड लाइसेंस के दस्तावेज पर लीज दस्तावेज के समान ही स्टैंप ड्यूटी के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर स्टैंप ड्यूटी की वर्तमान दरों को तर्कसंगत करते हुए 0.25% की दर तथा अधिकतम सीमा 15,000 रुपये निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। एक्नॉलेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड, अडॉप्शन डीड, एफिडेविट, जनरल अग्रीमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ सेल, शेयर सर्टिफिकेट, कॉपी और एक्सट्रैक्ट, काउंटर पार्ट और ड्यूप्लीकेट, सप्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट, लेटर ऑफ लाइसेंस, पार्टनरशिप डीड पर स्टैंप ड्यूटी के प्रावधान को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संशोधित कर तर्कसंगत किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कलेक्टर द्वारा किए जाने वाले एडजुडिकेशन के मामले में देय फीस का रिविजन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में इमूवेबल प्रॉपर्टी के कन्वेयंस डॉक्यूमेंट्स पर रजिस्ट्रेशन फीस की दर 1% है, जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टीज के संबंधित इकरार नामों पर रजिस्ट्रेशन फीस की दर 1% तथा अधिकतम सीमा 50,000 रुपये निर्धारित है। अतः इकरार नामों पर पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा को कन्वेयंस पर देय पंजीयन शुल्क के समान किया जाना प्रस्तावित है। गोवंश संरक्षण के लिए, गोवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। इस हेतु वित्तीय व्यवस्था करने के लिए कुछ दस्तावेजों पर देय स्टैंप ड्यूटी पर अधिकतम 10% की दर से सरचार्ज लगाए जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राजस्व और उपनिवेशन, गत वर्ष उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के सभी श्रेणी के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन के पेटे बकाया किश्तों की राशि को दिनांक 1 अप्रैल 2015 से 30 सितंबर 2015 तक एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में छूट दी गई थी। इस छूट का लगभग 5,500 आवंटियों ने लाभ प्राप्त किया। शेष रहे किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उपनिवेशन क्षेत्र के सभी श्रेणी के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन के पेटे बकाया किश्तों की राशि को दिनांक 1 अप्रैल 2016 से 30 सितंबर 2016 तक एक मुश्त राशि जमा करने पर ब्याज में छूट दिया जाना प्रस्तावित। किसानों में उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमियों की स्थापना के लिए कृषि भूमि के 1 एकड़ तक के क्षेत्रफल को समपरिवर्तन शुल्क से मुक्त रखा जाना प्रस्तावित है। स्थानीय निकाय, नगरीय विकास, आवासन विभाग, आम जन को राहत देने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों की तरफ बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर देय ब्याज राशि में 50% की छूट दिया जाना प्रस्तावित है तथा बकाया और आगामी समस्त वर्षों की देय लीज राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर 100% छूट दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु दिनांक 30 जून 2016 तक आवेदन करना होगा तथा लीज राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2016 होगी। लीज राशि जमा कराने की यह राहत
उपरोक्त अनुसार नगर विकास न्यास राजस्थान आवासन मंडल तथा जयपुर जोधपुर और अजमेर विकास प्राधिकरण के लिए भी 30 सितंबर 2016 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। शहरी क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना हेतु योग्य संस्थाओं की अधिकतम 500 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित आवासीय दर के 50% पर आवंटित की जाएगी। साथ ही इस प्रकार के डे केयर सेंटर की स्थापना हेतु भूमि रूपांतरण भू उपयोग परिवर्तन पर लिए जाने वाले सभी शुल्क भी माफ किए जाएंगे। राज्य में मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत स्कूटियों पर लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस, वन टाइम रोड टैक्स, ग्रीन टैक्स तथा सरचार्ज आदि की राशि को माफ किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति छात्रा निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना के वाहनों पर टैक्स की दी गई छूट के साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस और ग्रीन टैक्स में भी छूट दिया जाना प्रस्तावित है। ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ट्रॉली के वाणिज्यिक उपयोग के लिए पंजीयन हेतु वर्तमान में 9% लंप सम टैक्स जमा कराने की सुविधा उपलब्ध है। इसे कम करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली कॉम्बिनेशन पर ट्रैक्टर की कीमत का 1% लंप सम टैक्स लिया जाना प्रस्तावित है। और कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली पर वन टाइम टैक्स की छूट यथावत रहेगी। टूरिस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट धारक बसों के लिए देय विशेष पथ कर की अधिकतम दर में भी 12 वर्षों से अधिक समय से परिवर्तन नहीं किया गया है। हाल ही में प्रारंभ की गई लोक परिवहन सेवा पर विशेष पथ कर की मासिक दर ₹30,000 है। अतः टूरिस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट धारी बसों के लिए देय विशेष पथ कर को तर्कसंगत करते हुए इसकी वर्तमान अधिकतम दर ₹25,000 से बढ़ाकर ₹32,000 किया जाना प्रस्तावित है। गत वर्ष राज्य के पर्यटकों को बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रिकग्नाइज्ड टूर ऑपरेटर्स को देय विशेष पथ कर में 50% छूट दी गई थी। इनकी विशेष पथ कर देयता को घटाकर अधिकतम ₹12,500 तक सीमित किया जाना प्रस्तावित है। और इसी प्रकार राज्य के औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों में स्थायी अनुबंध पर लगी 13 सीट से अधिक क्षमता वाली कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों के लिए देय विशेष पथ कर भी 50% की छूट दिया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में नॉन ट्रांसपोर्ट लाइट व्हीकल पर मूल्य आधारित करारोपण किया जाता है। इस व्यवस्था में डीजल चालित वाहनों की कोई विशेष श्रेणी नहीं है। अब इस व्यवस्था में परिवर्तन कर ऐसे वाहनों पर देय वन टाइम टैक्स को इंजन कैपेसिटी और फ्यूल आधारित कर इसको तर्कसंगत किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में ग्रीन टैक्स नए और पुराने सभी वाहनों पर समान है। पुराने वाहनों से पर्यावरण को अधिक नुकसान होने की संभावना रहती है, अतः पुराने वाहनों को प्रचलन को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रीन टैक्स की दर को वाहन के मेक ईयर रजिस्ट्रेशन ईयर के आधार पर श्रेणीकृत करते हुए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के भार वाहनों पर मोटर वाहन कर और विशेष पथ कर की दरें 10 लाख की कीमत के बाद एड वैलोरम ना होकर स्पेसिफिक हैं। अतः 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य के भार वाहनों पर मोटर वाहन कर और विशेष पथ कर को एड वैलोरम करते हुए तर्कसंगत किया जाना प्रस्तावित है। गत वर्ष 7,500 किलोग्राम ग्रोस व्हीकल वेट तक के भार वाहन तथा टैक्सी और मैक्सी कैब श्रेणी के दिनांक 1/4/2007 या इसके बाद पंजीकृत हुए वाहनों पर एक मुश्त कर अनिवार्य किया गया था। इस एक मुश्त कर को एक वर्ष में 6 समान किश्तों में जमा कराने का विकल्प दिया गया है। एक मुश्त कर के दायरे को बढ़ाते हुए अब 12,000 किलोग्राम ग्रोस व्हीकल वेट तक के ट्रकों और 13 सीट तक बैठक क्षमता वाले निजी सेवा यानों के लिए भी समान प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। वन्य जीव संरक्षण टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों का संरक्षण तथा इन क्षेत्रों में पर्यटन का विकास स्थानीय लोगों से के रचनात्मक सहयोग से ही संभव है। स्थानीय समुदाय की उन्नति में पर्यटन उद्योग की भागीदारी के क्रम में प्रथम चरण में राज्य के रणथंबोर और सिरिस्का टाइगर रिजर्व के 10 किलोमीटर की परिधि में संचालित होटल्स रिजॉर्ट्स आदि पर लोक
कुल कंजर्वेशन फीस लागू किया जाना प्रस्तावित है। यह फीस टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा वसूल की जाएगी और संबंधित टाइगर रिजर्व से लगते हुए गाँव में इको डेवलपमेंट और स्थानीय समुदाय की उन्नति के लिए उपयोग में ली जाएगी। आधारभूत संरचना का विकास। दस्तावेजों के पंजीयन में आमजन की सुविधा हेतु जसोल, निम्बाहेड़ा, नाथद्वारा, कुचामन सिटी, पाली, बीकानेर, भीलवाड़ा में उप पंजीयक कार्यालय के नवीन भवनों का निर्माण कराया जाएगा। वाणिज्यिक कर विभाग के श्री गंगानगर एवं कोटा के नए संभागीय कार्यालय, प्रतापगढ़, जैसलमेर, दौसा, धौलपुर, टोंक में नए वृत्त कार्यालय और डीग में घट कार्यालय के नए भवनों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही राजसमंद, पाली, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़, टोंक में जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय भवनों का भी निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में वाणिज्यिक कर विभाग में राजस्व संग्रहण में वृद्धि हेतु अत्याधुनिक बिग डेटा तकनीक से युक्त एनालिटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगामी वर्ष में इसे खान, परिवहन एवं आबकारी विभाग में भी लागू किया जाना प्रस्तावित है। मैंने इन कर प्रस्तावों से लगभग 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय संभावित है। मेरे इन कर प्रस्तावों से लगभग 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय संभावित है तथा 325 करोड़ रुपए से अधिक की राहत दी गई है। इन प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित है। साथ ही मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु तथा कुछ वस्तुओं की कर दर संबंधी प्रविष्टियों एवं कुछ अधिसूचनाओं में क्लैरिफैक्ट्री संशोधन और अन्य प्रयोजनार्थ भी कुछ अधिसूचनाएँ जारी की जा रही हैं। संशोधित अनुमान 2015-16 और बजट अनुमान 2016-17। बजट भाषण के प्रारंभ में मैंने सदन को अवगत कराया था कि कैसे गत सरकार के कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को डिस्कॉम्स के रिवाइवल के लिए उदय योजना लागू करनी पड़ रही है। हालांकि इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण को वर्ष 2015-16 और 16-17 के राजकोषीय घाटे में नहीं गिना जाना है, परंतु मेरा दायित्व है कि सदन को इस योजना से राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर पड़ने वाले असर से अवगत कराऊं। अतः राज्य के बजट के विभिन्न फिस्कल इंडिकेटर्स को उदय योजना में डेट टेक ओवर प्रभाव सहित एवं उदय योजना के प्रभाव के बिना प्रस्तुत कर रही हूँ। संशोधित अनुमान वर्ष 2015-16 का संक्षिप्त विवरण उदय योजना के प्रभाव के बिना निम्नानुसार है। राजस्व प्राप्तियां 1,06,790 करोड़ रुपीज़। राजस्व व्यय 1,12,022 करोड़ 24 लाख रुपये। राजस्व घाटा 5,231 करोड़ 75 लाख रुपये। पूंजी खाते में प्राप्ति 30,684 करोड़ 75 लाख रुपये। पूंजी खाते में व्यय 25,433 करोड़ 54 लाख रुपये। पूंजी खाते में आधिक्य 5,251 करोड़ 21 लाख रुपये। संशोधित अनुमान वर्ष 2015-16 का संक्षिप्त विवरण उदय योजना के प्रभाव सहित राजस्व प्राप्ति 1,06,790 करोड़, राजस्व व्यय 1,12,022 करोड़ 24 लाख, राजस्व घाटा 5,231 करोड़ 75 लाख, पूंजी खाते में प्राप्ति 73,63,649 करोड़ 39 लाख रुपीज़। पूंजी खाते में व्यय 68,398 करोड़ 18 लाख रुपये। पूंजी खाते में आधिक्य 5,251 करोड़ 21 लाख रुपीज़। वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण उदय योजना के प्रभाव के बिना इंटरेस्ट पेमेंट का प्रभाव शामिल है। इसमें राजस्व प्राप्ति 1,23,250 करोड़ 53 लाख, राजस्व व्यय 1,23,052 करोड़ 52 लाख रुपीज़। राजस्व आधिक्य 198 करोड़ 1 लाख। पूंजी खाते में प्राप्तियां 27,956 करोड़ 24 लाख रुपीज़। पूंजी खाते में व्यय 28,075 करोड़ एंड 23 लाख रुपीज़। पूंजी खाते में घाटा 118 करोड़ 99 लाख रुपीज़। वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण उदय योजना के प्रभाव सहित राजस्व प्राप्तियां 1,23,000
1,250 crores 53 lakhs, Rajasva Vyay 1,32,052 lakh crores 52 lakh rupees, Rajasva Ghata 8,801 crore 99 lakh, Punji Khate mein praptiyan 48,089 crore and 48 lakhs, Punji Khate mein Vyay 39,208 crore 47 lakh rupees, and Punji Khate mein Adhikya 8,881 crores 1 lakh. Yojana ka akar. वर्ष 2016-17 में उदय के प्रभाव के बिना योजना का आकार 79,560 करोड़ 6 लाख रुपीस होगा और उदय के प्रभाव सहित इसका आकार 99,693 करोड़ 30 लाख रुपए होगा. राजस्व घाटा या आधिक्य. वर्ष 2015-16 में राजस्व घाटा 5,231 करोड़ 75 लाख रुपए रहा. इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की भारी गिरावट के कारण राजस्व में कमी, केंद्र से प्राप्त होने वाले केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में कमी और विद्युत वितरण कंपनियों को दी जा रहे अनुदान में वृद्धि रही. वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों में उदय के प्रभाव के बिना विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट का प्रभाव शामिल 198 करोड़ 1 लाख रुपये का राजस्व आधिक्य एवं उदय के प्रभाव सहित 8,801 करोड़ 99 लाख रुपए का राजस्व घाटा रहने का अनुमान है. वर्ष 2016-17 में उदय के प्रभाव सहित राजस्व घाटा और उदय के प्रभाव के बिना राजस्व आधिक्य में जो अंतर है उसका कारण वर्ष 2016-17 में उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों को दिए जाने वाले 9,000 करोड़ रुपए का अनुदान है. राजकोषीय घाटा. वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमानों के अनुसार उदय के प्रभाव के बिना राजकोषीय घाटा 24,385 करोड़ रुपए रहा जो कि जीएसडीपी का 3.62% है. उदय के प्रभाव सहित राजकोषीय घाटा 67,350 करोड़ रुपए होगा जो कि जीएसडीपी का 9.99% है. इसके कारण के बारे में मैंने पहले भी उल्लेख किया है और वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा उदय योजना के प्रभाव के बिना 23,014 करोड़ रुपए अनुमानित है जो कि जीएसपी का 3% है. वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा उदय योजना के प्रभाव सहित 43,147.24 लाख रुपए अनुमानित है जो कि जीएसडीपी का 5.62% है. उदय के प्रभाव को बिना के बिना और उदय के प्रभाव सहित राजकोषीय घाटे में जो अंतर है उसका कारण वर्ष 2015-16 और 16-17 में इस योजना के तहत लगभग 40,000 करोड़ रुपए और 20,000 करोड़ रुपए के डेट टेक ओवर के लिए की जाने वाली अतिरिक्त बोरोइंग्स हैं. वर्ष 2017-18 से इस योजना के तहत कोई भी अतिरिक्त बोरोइंग अनुमत नहीं होगी परंतु पूर्व में की गई बोरोइंग की ब्याज अदायगी का असर राज्य के वित्तीय इंडिकेटर्स पर भविष्य में भी नजर आएगा. मैं वर्ष 2016-17 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रही हूँ. साथ ही राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की अपेक्षा अनुसार मध्यकालिक राज्य वित्तीय नीति विवरण, राज्य वित्तीय नीति युक्त विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण मैं सभा पटल पर रख रही हूँ. अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं और इन्हीं भावना के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ और अंत में 4 पंक्तियों के साथ ये बजट प्रदेश की जनता को समर्पित करती हूँ. हमारे हौसलों की ताकत मत नापिए साहब. राजस्थान के लिए हम अपना खून भी बहा देंगे. तुम भी चलो इस सफर में अगर मेरे साथ. विकास की गंगा हम घर घर बहा देंगे. शांत रहे कृपया शांत रहे. कृपया ये फर्स्ट एक मिनट मैडम. हैट्स ऑफ टू योर स्टेमिना एट वन स्टांस 3 लॉन्ग आवर्स. राजस्थान वित्त विधेयक. श्रीमती वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री. अध्यक्ष महोदय,
मैं आपकी अनुमति में अनुमति से राजस्थान राज्य के आय व्यय अनुमान वर्ष 2016-2017 का उपस्थापन करती हूं एवं इसे सदन की मेज पर रखती हूं। प्रश्न यही कि राजस्थान वित्त विधेयक मुंह कीजिए ना, वित्त विधेयक, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2016 को कर पुरस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2016 को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में है हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई, पुरस्थापित कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2016 का पुरस्थापित करती हूँ। एक विनम्र अनुरोध, आज सायंकाल 6 बजे विधानसभा भवन परिसर के दक्षिणी लान में हाई टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके निमंत्रण पत्र आपको भिजवा दिए गए हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया 5:30 बजे तक आप कार्यक्रम में पधारने का कष्ट करें। माननीय राज्यपाल महोदय 6 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। सदन की बैठक बुधवार दिनांक 9 मार्च 2016 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।